हाँ जी चल चल है सो हेलो गाइज यार गुड इवनिंग स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पे आ चुके हम खाना वाना खा के हो एक बार फिर से स्ट्रीम पे सो so, कैसे आप सभी लोग गाइज आई होप बिल्कुल बढ़िया होंगे और गाइज हमें क्या करना है अभी हम्म मैच खेलने क्या है भाई चैट नहीं दिख रही यार आपकी मेरे को गाइज चैट कहा गई गाइज चैट चैट नहीं दिखाई दे रही भाई हमें ऐसा क्यों भाई चैट कहाँ गई भाई मेरी चैट गुम होगी कहाँ गई अबे भाई चैट गुम होगी गाइस अपनी तो भाई कहाँ गई चैट रुक जो गाइस गाइस रुक जो तो यार मेरे को चैट ढूंढने दो, दो भाई मेरे को चैट ही नहीं दिख रही यहाँ यार यहाँ हेल्प

इतना परेशान कर रहे काइज स्ट्रीम अटक रही है क्या स्ट्रीम बफर हो रही है क्या काइज सर so यार हंड्रेड लाइक्स होने वाले एक बार लाइक का बटन दबा देना करना कहीं सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं, नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से करना कहीं यार वही कंप्लीट नहीं है सिक्सटी सेवन के सिक्सटी नाइन के काइज वही गलत बात है देखो रेड की बात हुई रेड की बात हुई थी सिक्सटी नाइन के भाई तुमने गलत बात है भाई तुमने कंप्लीट नहीं करवाया का ही सिक्सटी नाइन की बात हुई थी एक बात बोलो भाई सेकंड भाई बोलिए भाई उन्होंने कचर को जानते हो तुम्हारी क्लैन का है हंजी भाई कचर भाई को जानते हैं ब्रो इंग्लिश ओपी थैंक यू सो मच इंग्लिश कमेंट्री भाई वरना ट्रोल करो रैंडम स्ट्रोल जॉनी भाई जरूर हूं डैन्यू कार मी डैन्यू सो गाइस क्या करने रेड हूं भाई यार रेड कैसे करूं भाई यार सिक्सटी नाइन की कंप्लीट नहीं किया यार तुमने गाइस हाँ ब्रास्ट एक्सिविंग चांट लग जाएंगे ब्रो <laughs> लोल अरे मैंने मेरा डायलॉग छोड़ ही दिया था भाई बाफी दिनों से बोला ही नहीं है चांटी लग जाएंगे ब्रो हम्म रेड करना अरे यार चैट अभी तो डिले नहीं है यार नकली हूँ मैं नकली हूँ मैं भाई नकली आप हो तो भाई आप ये क्यों कर रहे हो स्ट्रीम नहीं क्या भाई बस जु कर रहे हैं थर्ड पार्टी करते हो सामने से तो लर लो कभी भी उससे लिए वो ग्रो कर रहे हैं और तुम वहीं के वहीं रह गए गोविंद चंदलिया भाई मैं 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 कोई कस्टम वस्टमर कस्टम की बात कर रहे हो क्या कब की बात कर रहे हो वैसे मैं कोई कस्टम खेला ही नहीं अभी मैं खुद कस्टम करवा रहा था तो गोविंद भाई थोड़ा सा यहाँ जो दिमाग होता है ना इधर होता है अगर आपको नहीं पता तो उसका थोड़ा इस्तेमाल करो कि हम क्या कर रहे थे हम हमारी जे बी की टूर्नामेंट करवा रहे थे जिसमें जिसके बाद हम रेड कर रहे थे उसके बाद हम खाना खाने गए अभी वापस आए हैं तो ये थर्ड पार्टी वाला सीन अगर आप उस टाइम के बीच का बता रहे हो तो भाई मैं नहीं था उसमें मेरे को नहीं पता अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ ठीक है और रही बात दूसरी अगर उससे पहले कभी थर्ड पार्टी की है

खत्म करे जब इशू खत्म हो चुका है क्या हुआ किसने फीस्ट कर दिया अभी किसी ने फीस्ट किया क्या गोपाल कृष्ण भैया आप आपके जो भी रिस्पेक्ट था आपकी टीम की वजह से चला गया फिर से फिस्ट भैया वाह क्या हुआ फिर से फिस्ट किया क्या वन इन फोर के साइड से किसी ने हम्म भले भाई इसका ये बताओ अरे फिर से फीस किया है क्या ये तो बता दो भाई ऐसा क्यों चैट में लग रहे हो आप लोग कौन सी पोजिशन में हो भाई पता नहीं भाई कभी किस में बहुत सारे रूम चलते हैं तो कुछ नहीं पता भाई आपके लिए अरे भाई पढ़ लिया गोपाल कृष्णा भाई एक बार बताओ फिर से फीस किया क्या किसी ने या क्या सीन हुआ है चैट कम एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर, कर दो पहले तो भाई ये बात खत्म करो भाई बहुत हो गया यार बिना बात का क्यों वो लड़ाइया कर रहे हो सिंपल सी बात है भाई ऑडियंस कॉमन है जो हमें देखते हैं वो तुषार को, को देखते हैं जो तुषार को देखते हैं वही हमें देखते हैं मेनली हालांकि कुछ अलग भी है लेकिन मेनली ऐसा ही हो रहा है अब हुआ क्या भाई मेरे को ये बताओ फिर से किसी ने फीस फीस या कुछ सीन किया क्या भाई क्या होगा नेटवर्क नहीं चल रहा क्या रुको भाई चलो भाई आज यही खत्म करते हैं भाई यार अभी पर मैं चाहो सब चीज हटा रहा हूँ एक मिनट बात ही कर लेते हैं भाई एक सेकेंड हटा कर इसको ठीक कर देता हूँ स्ट्रीम नहीं चल रही क्या चलिए तो आपकी टीम मुझे पहले बहुत अच्छी लगती थी पर अब नहीं भाई हुआ क्या है ये तो बता दो मेरे भाई आप हैक्स आ, आप के आज इसी स्पार्क ही बोल रहे आपके हैक्स दिख गए ब्रो स्ट्रीम प्राइवेट कर दो मेरे हैक्स दिख गए कोई दिक्कत नहीं है भाई कर दो वायरल मेरे को भी तो बता लगे हैक्स कौन से है स्पार्क मेरे भाई पहले तो एडी कैसी की अबे हुआ क्या है भाई क्यों गालियां दे रहे हो प्लीज़ मैं इस टीम पर किसी को तो गाली मत दो भाई शुद्ध भाषा आप लिख सकते हो एक बार बता दो मेरे को हुआ क्या है रेड हम करेंगे आज टेंशन मतलब एक बार बात करते तुषार बोबिंद्र लास्ट वार्निंग टू यू प्लीज गाली मत दो किसी भी बंदे को तुम्हारे टीममेट्स क्या है स्ट्रीम स्नाइप तनु चौधरी हमारे टीम ने अभी स्ट्रीम स्नाइप किया आज अभी शाम के कस्टम में जब हम वो करे थे मजा आ गया भाई तुमने सेकंड मैच में भाई मैं नहीं खेला भाई कोई कस्टम मेरा नाम मत लो पहले तो गोड को मारा मैं तुम्हें गाली दे रहा था गुड़ को मारा वो तुम्हें गाली देता तुषार एडी भाई तुषार गाली नहीं देता सोचिए मतलब देता है लेकिन मेरे को लगता तुषार निकाली देखिए भैया नहीं अलाउ करते मैं रहा हूँ उनके साथ एडी का तो बिहेवियर ऐसा है भाई एडी अग्रेसिव में होता है तो निकल जाता उसके मुँह से कुछ भी लेकिन मेरे को ये बताओ हुआ क्या है मेरे भाई मैं नहीं था इधर मजा आ गया भाई रुको यार जोकर ने अच्छा फीसट किया है वनी फोर डोप ने फीसट किया डोप ने फीसट किया बीस ने किया भाई कभी बोल रहे हुँ? जो डोप ने क्या कभी बोल रहे बीस ने क्या कभी बोल रहे अभी अभी उसने जो करने किया बीस ने किया तो शारो रेडी को अच्छा बीस ने फिस्ट किया तो शारो रेडी को दोनों को फिस्ट किया डोप ने, किया? ने. और नहीं डोप पहले ही फिनिश हो गया फिस्ट नहीं किया किसी ने डोप नवीन दो और थे स्ट्रीम स्नाइप करने के बाद फिस्ट से फिनिश किया डोप और नवीन ए ने कर दिया फिर से गोड प्रवीण और ए को प्रवीण भाई थे या तुशार था यार तुषार था तुषार होगा ना नाचुअल जेट में दोनों ही ओपी हो अपनी जगह भाई ओपी वाली बात अलग है दोनों ही कम्पिटेटिव टीम है दोनों ही टीम बहुत खतरनाक है सबको पता है उनके पास रशास वाले तगड़े तगड़े बंदर है ऊपर से ए का इतना एक्सपीरियंस है तुषार का तो भाई सभी को पता ही है काफ़ी एक्सपीरियंस है सारे दिन कस्टम गेम खेलते हैं तो वो तो छोड़ो भाई वो बात अलग है गेम प्ले तो भाई कस्टम वाला होता रहता है बात ये बताओ कि जो एक गाली गलोच आती है मेरे को गाली सुनने को मिली और मेरी वन्नी फोर को सुनने को मिली वो क्यों मिली क्या हुआ है भाई बताओ मैं तुम्हारे साथ ही इस ट्रीम पे था हम रेड वेड मज़े कर रहे थे यार लेकिन मेरे को पूरी बात बताओ एक बड़ा सा मैसेज लिख के तो फिश से फिनिश कर दिया तो क्या हुआ यार नोक होते ही क्यों हो सिंपल यार हो गए तो फिश भी कर सकते हैं फिनश और गंज से भी वो उनकी मर्जी लेकिन नहीं भाई अगर अगर भाई मैं लाइव करूँ मेरे को कोई फिश कर देगा तो भाई बुरा लगता है हालांकि बात अलग है मेरे को बहुत बार किया है क्या भड़कोगे पता नहीं शायद उन्होंने वन्नी फोर वालों ने फिश विस्ट कर दिया किसी ने हम्म तो रुक जाओ क्या दिक्कत होगी पीस्टी तो भाई फिर भी रुक जाओ भाई आपकी टीम में जीरो स्पोर्ट्समैनशिप है हर बार फिश करते हुए बट ब्रोक को मेरे भाई, भाई। कर तो भाई ये फेस कैम क्यों आ गया है भाई रुक जाओ भाई ठीक कर दे तो इसको फेस कैम रुक जाओ एक बार शायद अब ठीक चलेगा साइड में कर लीजिए अब बताओ डोपो और बीच ने नहीं स्टीम स्नाइप नहीं किया पर जोन के बाहर आगे फीस्ट करें वो भी उनके ड्रॉप लोकेशन पे ये भी हो सकता है क्योंकि ड्रॉप लोकेशन सबका पता है क्या पता वो बाहर चले क्योंकि सबको पता है वो उसमें पार्प लैंड पर उतरते हैं और उसमें वहाँ उतरते अभी सिंक डेल्टा उतरते हैं तो ड्रॉप लोकेशन पता है। अगर ड्रॉप लोकेशन पर जाकर मारा है तो हो सकता है स्नाइप हो या ना हो पता नहीं भाई वो तो उनके बात करके पता चलेगा कि किया या नहीं किया जो भी हो वो बात अलग है बात बताओ गाली क्यों पड़ रही है तो उनको डोपर और बिजनी तुषार और एडी को फिस्ट किया अच्छा ये बात है मेन मोटिव ये है कि आज फिस्ट कर दिया उन्होंने स्ट्रीम स्नाइप कुछ भी भाई स्ट्रीम स्नाइप बोला जाता है भाई स्ट्रीम पे छोड़ो भाई वो तो वो तो मैं खुद मेरे से खुद से मुँह से निकल जाता है भाई बहुत बंदों के अलावा जैसे आज हम जब हम विलेज में थे तो विलेज जोन के बिल्कुल कॉर्नर पे था सिंगर डेल्टा उतरे थे गोड वाले तो जब हम उस टूर्नामेंट फाइनल टूर्नामेंट था उसमें हम टॉप पे चलते पहले मैच में एस्टेक टू सेकंड में नहीं पहला मैच में एस्टेक थ्री नहीं पहला मैच में हाँ हेस्टेक थ्री था सेकंड में एस्टेक टू था और थर्ड मैच हम खेल रहे थे हम तीन ही बंदे आए थे हम स्टेडियम से आए विलेज पे वहाँ से गोड वाले बंदे जोन वहाँ आ गया था मतलब विलेज से दूसरी साइड बना था विलेज बिल्कुल कॉर्नर था जोन के तो वो वहाँ आके हमें मार के गए थे तो हमें भी थोड़ा फील हुआ कि स्ट्रीम स्नपुर लेकिन स्ट्रीम स्नैप ज़रूरी नहीं क्योंकि भाई उन्हें पता है स्टेडियम उतरती है टीम वो गाड़ी लेके घूम सकते हैं मार सकते हैं कोई दिक्कत नहीं वो तो छोड़ो भाई स्ट्रीम स्नाइपर वाला तो किस्सा नहीं है लेकिन बात फिस्ट का है फिस्ट का एक बार बताओ मेरे को क्या हुआ ऋत्विक बाकी हमें रेड करनी है भाई चिल स्ट्रीम कर रहे थे पता नहीं क्यों भाई बकवास करने लग भाई मैं भी गोड क्लैन का फाइट हुआ उन्होंने यू बी क्लैन को ख़त्म किया फिर वनी फोर क्लैन आई एंड वनी फोर डोप ने तुषार को एंड वनी फोर ने एडी को फिस्ट किया अच्छा ठीक है समझ गया भाई वो लोग आए थर्ड पार्टी की उन्होंने फीश कर दिया ठीक है रुको डोपोज भाई प्लीज गाली मत निकालो एक तो भाई आराम से जो चैट में बोलना है अदरवाइज चाहे भाई आप वनी फोर को गाली निकालो चाहे आप गोड़ के किसी बंदे को निकाल रहे हो भाई गाली मत निकालना भाई मेरी चैट फैमिली फ्रेंडली है चाहे भाई बुरा भला जो भी बोलना है शुद्ध हिंदी में बोलो भाई कुछ भी बोलो यार लेकिन गाली मेरे को नहीं देखनी मेरी चैट में मॉडेटर्स चाहे गाली गोड़ के बंदे को किसी को कोई निकालता ना वनी फुर का बंदा गोड़ के किसी बंदे के खिलाफ तो भाई टाइम आउट दे रहे अगर कोई गाली निकालता लेकिन ऐसे बुरा भला बोलता है कि गलत किया उन्होंने ये किया तो वो मत करना वरना टाइम आउट दे हैं अब बात करते हैं और कुछ भाई ए डी सच में बहुत गाली दिया को यार भाई ए डी का यही सीन है भाई ए डी का बिहेवियर ऐसा है तो मैं क्या तो बताऊँ भाई अब ऐसे स्काउट <coughs> वगैरह मतलब कोई भी है वो गाली क्लोज करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब वो बिल्कुल ही यार वो मैं कैसे समझाऊँ तुम्हें यार भाई वो लोग थर्ड पार्टी करके मारते हैं ब्रो आपके क्लैन वाले पुलिस भाई अगर नॉर्मल थर्ड पार्टी करके कोई मारता है तो सिंपल सी बात है यार पहले भी मेरे को <coughs> भाई भाई टाप पॉइंट लाते भाई प्लीज बाहर है क्या वो <coughs> सिंपल सी बात है भाई सबसे पहले आपने क्लिप्स देखी होगी जब गोड के बंदे आ, हम स्टेडियम उतरते थे गोड के बंदे विलेज में उतरे थे हम स्टेडियम पे थे हमने यूबी के साथ फाइट की यूबी वाले को हमने फिनिश किया उसी टाइम वो विलेज उतरे थे उनको पता था यूबी और वन फोर यहाँ उतरेगी क्योंकि कोल्डी ने स्टीम पर बोल दिया था ये चीज आपको भी पता है हमें पता है सारी ऑडियंस को पता है फिर वहां जैसे ही उनको दिखा खिल फील्ड में कि एक डाउन है या दो डाउन है या फिर वन फोर ने को उसको यूबी को फिनिश कर दिया तो उस साइड वो विलेज से उठ के यहाँ आ गए एक टीम यह एक टाइम आपने क्लिप देखी होगी जब कोल्डी ने डाली थी कि जब वो थर्ड पार्टी किए थे हमारे ऊपर उसमें अपार्टमेंट्स में तो भाई थर्ड पार्टी वाला सीन होता है यार वो भी करते हैं वनी वाले भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं है वो तो छोड़ो थर्ड पार्टी का मत करो बात यह है कि फीस्ट अगर अभी वनीफोर वाले बंदों ने किया है तो भाई मैं वो बहुत ही गलत मानूँ कि भाई सब सीन शॉर्टेड हो गया था छोड़ो भाई क्यों मतलब अभी लेके ही पीछे पड़े हो यार भाई मतलब देखो अब मैं बताऊँ मैं कैसी सिचुएशन पे हूँ तुम मेरे को अपनी जगह रख के देखो कि मैं वनी फोर का मान लो लीडर लेकिन हालांकि सभी को पता है वनी फोर का लीडर नाम अकेला हूँ क्योंकि वनी फोर बनाइए पाँच छः बंदों ने तो वो सारे बराबर के हिस्सेदार है सारे लीडर हैं हमारे जो यहाँ डिसीज़न लिए जाते हैं वो मेजोरिटी से लिए जाते हैं ना कि किसी एक बंदे के तो जैसा बाकी क्लैन में होते जो लीडर होता है उसके चलते हैं सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ हमारे क्लैन में मैं दाऊद टाइगर ए और अपना लूसीफर था एक वो एक्टिव नहीं है घातक भाई थे वो किलर थे तो ये सारे बंदे थे कॉल्टिपिशन चला गया इसकी वजह से ये सारे बंदे थे इनके डिसीजन चले जाते हैं अब दोबारा वनी फोर जब मतलब बनी थी उस टाइम टाइगर इनएक्टिव था एटी गोड में था अलग सीन था तो उस टाइम मैंने वनी फोर दोबारा बनाई थी तो मैं लीडर था तो बाकी बंदों ने अभी लीडरशिप लिया नहीं तो सीन तो ये है एक तो ये बात कर दो अब अगर वनी फोर के एक लड़के कुछ बंदे करते हैं तो भाई प्लीज़ एक तो मेरी स्ट्रीम पर आके गाली गलोज मत किया करो यार एटलीस्ट मतलब फैमिली फ्रेंडली स्ट्रीम है तो मत किया करो अगर गलत किया है उन्होंने तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ मैं जो मैं जो बस की होगी ना मैं ज़रूर करूँगा रुको एक बार वो तो छोड़ो मैं एक बार चैट कर शायद लास्ट सेकंड कस्टम में फीस्ट किया पीस्ट किया फिर ए ने गाली दी और अब ए ने तुषार को मारा एंड अब तुषार अब ए तुषार ने ए को गाली दी सुनो फिर नॉर्मल कस्टम था यूबी और गोड की फाइव टू वनी फोर बहुत दूर लैंड हुई थी हाँ वो मैं समझ गया कि वनी फोर कहीं लैंड हुई जो अपना ड्रॉप लोकेशन है वहीं उतरी होगी मतलब मिलिट्री में और यूबी का जो गोड का ड्रॉप लोकेशन है जहाँ यूबी उतरती है वो फार्म लैंड पे और गोड का एक आधा डाउन नोक हुआ होगा या नहीं हुआ था अगर नोक भी नहीं हुआ था गोड का बंदा अगर फिर भी आते हैं तो मतलब यार जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये भी हो सकता है क्योंकि किल फील्ड देखते हैं सभी को ड्रॉप लोकेशन पता है यार आपको भी पता है मेरे को भी पता है हर किसी को पता है फार्मलैंड ड्रॉप लोकेशन है फार्मलैंड फाइट होती है तो हो सकता है भाई वो गाड़ी उठा के वहाँ आए अगर उनका मन में हुई कि भाई गोड को मारना है तो भाई डेफिनेटली उन्होंने किल फील्ड देखे हो कि उनकी फाइट हुई है अगर गोड और यूबी की फाइट होती है तो कोई भी कोई भी नॉर्मल प्लेयर ये कोई भी कंपिटेटिव प्लेयर पता कर लेगा कि भाई बंदे कहाँ उतरे हैं मतलब कहाँ फाइट हो सकती है क्योंकि एक टीम चेंज कर सकती है दोनों टीम चेंज थोड़ा ना कर सकती है तो ये सीन हो सकता है लेकिन पता नहीं अगर स्ट्रीम स्नाइप भी क्या पता किया हो या ना किया हो वो कोई कंफर्म नहीं है मैंने मेरी टीमेट से बात नहीं की अभी तक मैं सारा मतलब शाम में साढ़े छः बजे के बाद कस्टम करा रहा था उसके बाद हम चिल स्ट्रीम कर उसके बाद हम रेड कर रहे थे लेकिन वो स्ट्रीम डिले थी इसलिए हमने रेड थोड़ी लेट की फिर मैं खाना खा के आया अभी आया हूँ अभी चैट पर भाई आते ही आते मेरे को एक गाली सुनने को मिली भाई मेरे को बहुत गलत लगता है जब कोई मेरे को गाली देता है मेरे क्लैन का बंदा किसी को गाली देता है मैं मतलब कर क्या सकता हूँ भाई मतलब देखो दाऊद का बिहेवियर थोड़ा वो है अग्रेसिव वाला है हालांकि मेरे को भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है लेकिन मैं ज़्यादातर जैसा मैंने चैनल बनाया था फैमिली फ्रेंडली मैं वैसे ही रखना चाहता हूँ ना मेरे को किसी के साथ लड़ाई करें ना किसी को गाली दे दें ना कुछ और जब हम गोड में थे हमारे ऊपर भी थर्ड पार्टी होती थी बहुत कहते हैं इश्पोर्ट जब उतरते थे तभी मेरे को मतलब मेरे को गाली देनी नहीं ना मेरे को गाली देनी ना मेरे को गाली सुननी सिंपल सा बात ये है पहली बात तो ये कि अगर वन फोर का कोई प्लेयर करता है तो उसको एक तो ये नहीं होना चाहिए कि पुलिस तू कर रहा है पुलिस तू ये पुलिस ऐसे वैसे पुलिस क्यों भाई पुलिस क्यों मतलब ये बताओ मैं अगर खेल रहा होता हो तो भाई या तो मैंने ये कहो कि भाई हाँ मारो भाई गोड वालों को फीस्ट मारो या फिर गोड को गाली दो या मैंने गाली दे दी गोड को या मैंने चैट में बोला कि गाली दे दो गोड को तो भाई मेरे को क्यों मतलब वो कर रहे हो चलो माना वनी फोर मेरी है, और है भी मेरी मैं हमेशा वनी फोर के साथ हूँ वनी फोर उठी है जो भी हुआ लेकिन अगर वनी फोर का बंदा कुछ करता है तो भाई उसका एटलीस्ट बात तो करने दो मेरे को अगर इस बार फीस्ट किया वनी फोर के बंदे ने तो भाई बहुत ही गलत किया चीज़ हालांकि जब लास्ट टाइम अपने स्ट्रीम कुछ बंद स्ट्रीम देखते हैं तो लास्ट टाइम तो नहीं करते फिस्ट किया था एडी ने, ने नोक किया था स्टेक्स ने मेरे को फिस्ट किया था उस टाइम जब स्ट्रीम एंड हुई तब मैंने क्या कहा था कि इससे फिर एक बंदे ने चैट लिखा था कि फीस तो मेरा दिमाग खराब था बहुत ही उस टाइम भी वो थे हमारे ऊपर थर्ड पार्टी हुई थी और उनको किल देख लिया होगा उनको पता होगा छोड़ो यार छोड़ो नहीं भाई रोज़ रोज की चिक चिकिख नहीं चाहिए मेरे को भाई एक बार बात कर लेते हम तो उस टाइम भी मेरे को फीस किया गया था स्टेक्स के द्वारा तो भाई मेरे को गुस्सा आया बहुत गुस्सा आया सही में और ए डी ने नोक किया था ए मेरे को फिनिश भी कर रहा था नॉर्मल ए बिल्कुल सही था अपनी जगह स्टेक्स ने मेरे को फिस्ट किया तब मेरे को गुस्सा आया तब मैंने मतलब सीमेंट हुई तब मैंने एक चीज़ बोली थी कि इससे पहले फिस्ट किया हो ना क्यों लेकिन अब हम करेंगे उस टाइम मैंने रेज में ये बात बोली थी लेकिन उससे अगले कस्टम में या फिर कभी मैंने मतलब नहीं किया किसी को फिस्ट और मैंने मना भी कर दिया था कि भाई मत ही करना पहले भी ये चीज़ हुई थी फिर भी मैंने मना कर दिया था पहली बात तो ये और दूसरी बात भाई गाली मत देना मेरे को बहुत ही गलत लगता है क्योंकि मैं मेरा चैनल फैमिली फ्रेंडली बना के रखता हूँ शुरू से बनाया है कुछ बंदे हैं जो टीवी में देखते हैं कुछ बंदे है लैपटॉप में देखते हैं कुछ बंदे घर वालों के साथ भी मेरी स्ट्रीम देखते हैं बहुत बंदे ऐसे क्योंकि मेरे पास बहुत स्क्रीनशॉट आते हैं बहुत स्टोरी आती है कि भाई हम एडी में स्ट्रीम देख रहे हैं मेरे फैमिली के बहुत सारे बंदे हैं मेरे गाँव के बहुत बंदे हैं मेरे आस के बहुत बंदे पबजी मोबाइल के बहुत सारे बंदे है जो देखते हैं तो भाई मैं ऐसा टॉक्सिसिटी वाला चैनल मेरा नहीं है सिंपल सी बात एक तो ये है ठीक है और बाकी की चैट देख तो मैं आगे क्या हुआ जो भी किसी को जो भी डाउट है ना भाई पूछ डालो लो लेकिन गाली नहीं प्लीज़ सिंपल इतना आयाद अहमद तुषार ने यूपी वालों को क्लच किया अकेले ने ये चारों गाड़ी में एग्जैक्ट उनकी लोकेशन पे पहुंच गए एग्जैक्ट उनकी लोकेशन पे पहुंच गए साथ में ही और फिश क्या एग्जैक्ट उनकी लोकेशन पर पहुँच इसका रीज़न तो भाई मेरे को पता है क्योंकि इनका इनको पता है कि ड्रॉप लोकेशन क्या है गोड की वहाँ उतर गए डेफिनेटली बात सिम्पल सी बात है भाई फार्मलैंड पे फाइट होती है यूबी और गोड की तो वहाँ पूछ के वो बात सही है फ़िश किया ये बात बहुत गलत है इसके लिए मैं आज शाम को जैसे स्ट्रीम एंड होगी मैं होता हूँ और बाकी इस वनी फोर के सारे मेम्बर्स टाइगर्स एट टाइगर एटी सब आएंगे ए ने किया किसी को फ़िश ए ने तो नहीं किया होगा ना पता नहीं चलो किया हो या ना किया हो छोड़ो चैट में तो नहीं लिख रहे जिन्होंने भी किया एक बार बात करेंगे क्योंकि बेर को कुछ नहीं पता था इसके बारे में हम पहले कस्टमर खेले थे वहाँ किसी ने कुछ नहीं किया था ऋषि सिंह ब्रो बात यह है कि गोड वाले मैच्योर नहीं है खुद मर मार दे तो सही है कोई और मारे तो गाली देते हैं खुद को सुप्रीम समझते हैं पर ऐसे एटीट्यूड से ज़्यादा आगे नहीं जा पाओ भाई वो बात अलग है कि आगे जा पाओगे नहीं पाओगे दृष्टि चीज एक तो ये चीज़ आगे जाने के लिए बिर को पता है ऑडियंस को पता है कि भैया ने कितनी मेहनत की है भैया ने दिन रात स्ट्रीम किया है मैं उनके वहाँ रहा था तो अंकल जी ने कुछ चीज़ें बताई थी आंटी जी ने कुछ चीज़ें बताई थी कि कैसे कैसे करके तो भाई भैया भाई तो भाई मेरे लिए इंस्परेशन थे है और रहेंगे तो मेहनत और आगे बढ़ने वाली बात बहुत छोड़ दो वो तो भैया नहीं रुकने वाले क्योंकि डेडिकेशन है भैया के अंदर तुषार ने भी भैया के बाद कुछ भी कहो बहुत मेहनत किया स्ट्रीम किया पूरे पूरे मतलब तो दिन में पांच पांच छः छः साथ साथ आठ आठ दस दस घंटे की स्ट्रीम किया वो तो आगे जा पाओगे वो बात छोड़ो लेकिन जो आपको पता है मेन मोड मेन जो जितने भी चैट है मेन आपको पता है कि गोड और वनी की बात कहां से लड़ाई इनकी दोनों आपस में क्यों हुई मैं गोड से निकला कोई दिक्कत नहीं थी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई भैया के साथ मेरी बात हुई सब नॉर्मल था उसके बाद भी मेरी भैया के साथ चैट होती रहती थी कॉल आते रहते थे आपको स्क्रीनशॉट छोड़ भी दिखाई होगी बहुत सीन हुए सब नॉर्मल था बात होती थी लेकिन फिर सीन कब हुआ जब रशस टूटी रशस के बंदे गोड में गए और फिर ए टी फोर में था हम लोग वनी फोर में थे फिर पता नहीं रशर्स को क्यों लगता है कि भाई वन रशस और वनी फोर की बहुत ही रेयर बनने लगती है पता पहले सही बनती थी यश भाई के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन थे सभी के साथ लेकिन बाद में नहीं मतलब पता नहीं क्या अनबन हुई क्यों ऐसा कुछ कर रहे हैं मेरे को तो समझ नहीं आया वो तो छोड़ो भाई और उसके बाद धीरे धीरे बिगड़ने लगी ऊपर से चैट वाले कुछ कुछ करने लगे सो भाई चैट वाले चैट में कुछ बंदे दो चार बंदे देखो और होते हैं डेफिनेटली उनको बस मजे लेने हैं चैट को तो बस कुछ बंदे होते हैं दो चार उनको तो बस मजे लेने तो, तो वहां से बात उठती उठती दो बंदों की हुई थी पहले एटी कोल्डी की क्योंकि कोल्डी ने मेरे को फिश किया था फिर मेरे क्लैन वाले बंदे भाई हमें फिश किया तो हम भी करेंगे तो उन्होंने वैसे किया तो वहां से सीन हुआ होते 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 छोटी छुट छोटी बात उठती 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 गोड़ो से बनी होगी चलो ठीक है हो गई चलो कोई दिक्कत नहीं है थोड़े दिन हुए उन्होंने हमें फिस्ट किया हमारी टीम ने उन्हें फिस्ट किया हालांकि मैंने किसी को भी दही किया था फिस्ट मेरे मेरे को मेरा मन किया सही बता रहा मेरा मन किया फिस्ट कर लेकिन छोड़ो यार नहीं हुआ बात हुई एटी बोला मेरे को फिट करेंगे तो मैं तो करूंगा एटी का सीधा एक ही क्वेश्चन था एक ही आंसर था अगर मेरे ऊपर फिस्ट आया तो मैं अगली बार उसको करूंगा एडी ने थोड़ा ट्राई किया फिश करने का वो एक अच्छी बच गया था खत्म हो गया था जब तुषार ने उसको डाटा किया एडी फिस्ट क्यों कर रहा है फिर उससे अगले मैच में ए बोला मैं बोला एटी फिश मत करियो लेकिन एटी बोला हाँ नहीं करो लेकिन एट द लास्ट मशीन ने क्या क्या उसने फिश कर दिया बोला कि एडी ने मेरे को मारा था तो मैं भी बदला लूंगा पक्का तो वो हुआ एडी ने फिर गाली गलो की फिर और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई मतलब एक टाइम फिर बहुत बढ़ गई फिर क्या काम हुआ कि ड्रॉप लोकेशन हमने चेंज किया था बीच में फिर थोड़ी बहुत सीन हुआ फिर वापस फिर से जब कोल्डी वापस आ गया फिर हमने फिर से स्टेडियम आया गोड ने प्रोटेशन वो ड्रॉप लोकेशन चेंज किया जो कि काफ़ी सही किया आई थिंक भैया नहीं कहा होगा मैं डेफिनेटली श्योर हूँ ठीक है तो चेंज हुआ सही तो भाई यार सही चल रहा था सारे कस्टमर को खेले थे स्ट्रीम पे खेल थे बढ़िया था सब और गोल्डन का भी अलग था और रोटेशन अलग था फाइट होती थी नॉर्मल गन से मरते थे कोई फिश विश का ही नहीं था और भाई अब आज जो हुआ है ना भाई अब फिर से भाई अब कोई आके भाई गाली दे रहा है मेरे को आपकी गलती है अमन भारद्वाज भाई बताओ मेरी क्या गलती है मेरी मेरी गलती एक बार पॉइंट आउट करके दो कि मेरी क्या गलती है तुम भाई आके मेरे को मुंह पे गाली देके चले जाते हो भाई हालांकि चलो मेरे को बुरा बोलना रहे तो सिंपल बोलो गाली क्लोज क्यों के हो भाई चैट सभी को सुनती है ठीक है यार बात सी यार सीधी सी बात है बंदों के पास बंदों को बस पेलना होता है चाहे किसी को भी पेले फिस्ट या पेन से इसमें गोड वालों को बुरा लगे तो ले लेकिन गाली कैसे दे देते हैं वनी वालों को मजाक हो रहा है क्या हाँ शार्प शूटर बात सही है भाई गाली कोई भी नहीं सुनेगा भाई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे चाहे उसको खेलना आता हो चाहे ना आता हो कोई भी यार अब मैं किसी बंदे को एक को गाली दे दूंगा तो बंदा गाली सुन के चुप बैठ जाएगा मेरे को ये बताओ भाई बुरा लगता है सबको लगता है सिंपल सी बात है यार तो ब्रो गोड को भाई गोड को टारगेट मत को सीधी सी सीधी सी बात है भाई मत करो हम ही काफ़ी हैं ब्रो हैंड को टारगेट मत करो भाई देखो टारगेट करने वाली बात है भाई मेरी स्ट्रीम देखते हो तुम लोग स्ट्रीम पे पता लगता है कि भाई मैं मैं किसी को टारगेट मैं हम लोग किसी को टारगेट कर रहे हैं गाली क्लोज कर रहे हैं मैं मैं उस ट्रीम खेलता हूं अभी पी वी वी रिकॉर्ड करता हूं क्योंकि मेरे को अभी एक मोन्ट अपलोड की थी मैंने कंप्लीट की उस पर अच्छा रिस्पांस मिला इसलिए मैं करता हूं अभी मेरे फोन में पड़ी है लास्ट वाले भी तो वो तो भाई छोड़ दो भाई टारगेट वार्गेट हम नहीं करने वाले हमें पॉइंट टेबल पे ऊपर रहना है हमें ये नहीं कि दो दिन का नहीं चाहता मैं चाहता हूँ भाई वनी जो स्टार्टिंग में मतलब जो इमोशंस के साथ हमने बनाई थी भाई तुम सोच नहीं सकते वनी फोर के इसलिए मतलब क्या क्या अमन भारद्वाज है क्या है भाई अमन भारद्वाज जब क्या है मतलब क्या गलती है एक बार मेरी गलती बता तू चैट में मैं स्पेशली देख रहा हूँ अमन भाई आपका मैसेज अर एंड पुलिस भाई दिमाग नहीं है लोगों में पता नहीं गलती कोई और करे और लोग आपको बोल भाई मेरे को बोलेंगे एक रीज़न तो यही है भाई मेरे को बोलेंगे क्योंकि मैं वन वी फोर से वो सिर्फ अभी तक मेरे को जानते हैं ए को जानते हैं तो भाई मेरे पास आएंगे ऊपर से मैं लीडर हूँ अब तो भाई मेरे पास ही आएंगे और किसके पास जा सकते हैं वनी का कुछ भी सीन होगा कोई कहीं ना कहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस चीज़ की कि भाई वनी को संभालू को जब गोड़ छोड़ा तब वो वनी में खुद आया या तुमने बुलाया वो मेरे को नहीं पता क्या बात हुई थी लेकिन टाइगर का मेरे पास मैसेज आया था कि कोल्डी आ रहा है ले ले क्या फिर मैंने कहा भाई देखो जो डिसीजन होता है पाँच बंदों या छः बंदों का उनको बुला लो मीटिंग करो और जो मेजोरिटी बोलते हैं वो कर लो वही हुआ बुलाया और भाई सिंपल सी बात है भाई हम जब कोई बंदा आपके साथ एक, साथ एक साल तक स्टार्टिंग में ग्राइंड किया हो जिसकी वजह से आपका क्लैन बढ़ाओ तो भाई उसको कौन नहीं लेना चाहेगा सिंपल सी बात है हमने ले लिया मतलब टाइगर ने ले लिया मैंने भी कहा चलो कोई दिक्कत नहीं मेरे को भी हालांकि भाई मेरे को बुरा लगा जब कोल्डी ने फेस्ट किया क्योंकि कोल्डी के लिए भाई मतलब दिल से फीलिंग्स थी कोल्डी एटी घातक भाई दाउद और ये जो स्टार्टिंग है वनी फोर थी उनके साथ भाई बहुत ज़्यादा अटेंशन थी ये अगर आगे भी कुछ भी कर देंगे ना तो भाई फिर भी कहीं ना कहीं भाई इमोशनल हो जाता हो मतलब लगता है मेरे को कि भाई कुछ भी हो लेकिन उन्होंने बहुत किया वनी के लिए और सही में किया भाई सभी बंदों ने जितने भी वनी के बनते हैं सभी ने अपना कुछ ना कुछ किया जिसकी वजह से चाहे भाई दो बंदे जानते हो लेकिन दो बंदों के बीच में वनी का नाम है जब बीओसी हुआ था तब भी वनी फोर के बंदों के बीच में वनी का नाम था हालांकि वो बात अलग है हम डिस्कालीफाई हो गए थे पीओवी की वजह से कोल्डी के पास कोल्डी ने रिकॉर्ड कोल्डी ने का किसी ने भी पीओवी रिकॉर्ड नहीं की थी हमने क्योंकि टाइगर ने बोल दिया था कि भाई पीओवी मत करो रिकॉर्ड कोई नहीं मांग रहा ये करके उस टाइम पीओवी का कम सीन था तो इसलिए कोई नहीं करता था तो भाई मीटिंग हुई तो बोले कि कोल्डी ले लो भाई कोल्डी का तो यही था अमर भादा आपकी टीममेट की भाई अभी तुम बोल रहे थे कि गलती मेरी है अभी बोल बोलो आपके टीममेट की गोड़ वाले दुश्मनी ले लिए हैं वनीपोर्ट से भाई यही चीज मेरे को समझ नहीं आ रही भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं सक्षम हम काफी मैच में गोड़ आएगी हम खुद बोलते हैं कि हम टार्गे, मैं करूंगा, हम टारगेट 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 मैं करूंगा करूंगा यार बहुत दो, बहुत टीम करती थी गोड को -गो टारगेट तो भाई पहले जब मैं वनीपुर था तब तो भी बहुत टीम करती थी स्पोर्ट बहुत टीम आती थी थर्ड पार्टी बहुत होती थी स्ट्रीम्स स्नाइप बहुत होते थे मतलब हवा क्यों बन गया भाई मेरे को तो ये समझ नहीं हालांकि मैंने एक भी बार किसी को रिप्लाई नहीं दिया एक भी बार किसी को उल्टा नहीं बढ़ा फिर भी भाई बनाए जा रहे उसका हुआ कि भाई चलने दे चलने दे गालियां निकालते भाई स्ट्रीम पे फोकस यार वैसी एक तो लाइफ इतनी बिजी चल रही है ऊपर से पता नहीं भाई गाली गलोच भाई स्ट्रीम मेरा चैनल फैमिली फ्रेमली से कुछ हो गया भाई इतने तो मैंने ब्लॉक कर रखे वर्ड्स ताकि कोई स्पैम ना कर पाए भाई।, भाई जब एटीट्यूड एडी को रहता है ना तो किसी को क्या लगेगा ये सोच ये नहीं है बंदे एज लाइक एडिया बूज टीम यू बी हाँ वो मेरे को सही में मेरे को खुद को बहुत खराब लगा कि जो एडी ने अब्यूज किया ना यूबी को वो मेरे को बहुत खराब लगा चलो भाई वो तो यार अब एडी का पर्सनल है वो तो मैं कुछ नहीं बोल सकता उसके बारे में मैं तो बोल रहा हूँ भाई मेरे को वट ब्रो सॉरी वट इज़ फीस मीन फीसट मतलब भाई बंदे को नो करके मुक्का मारना मुक्के से फिनिश करना वन फोर हल्क ने फिस्ट किया तुषार की स्ट्रीम देख लो तुषार ने नेक्स्ट कस्टम में बोला सबको कि कोई फिस्ट नहीं करेगा तो अब क्यों नहीं मना करते तो आप क्यों नहीं मना करते अयाज़ अहमद भाई मैं आज शाम को साढ़े छः बजे से लेकर अपना नौ बजे तक अप नौ नहीं साढ़े नौ बजे तक हमारे जो जे सी चल रही है वो हम खेल रहे हैं और उसकी कास्टिंग कर रहा था मैं लाइव पे आप मेरी पिछली स्ट्रीम देखना उसके बाद हमने रेड किया एक स्ट्रीमर को उसके बाद मैंने कहा कि दस दस पे आएंगे चिल स्ट्रीम करेंगे आराम से चिल करेंगे गेम खेलेंगे रेड करेंगे मैंने एक आ कि रेड करेंगे तो भाई मैं जब था तब किसी ने फिस्ट नहीं किया क्योंकि मैं हमने मतलब मैंने तो क्या पूरी टाइगर भाई ए सारे बंदे थे डिसाइड हुआ था कि भाई फिश नहीं करना बात खत्म अगर वो पहले करेंगे तो रिप्लाई में हम कर देंगे अदरवाइज खत्म है सब तो भाई अहम अयाज अहमद भाई ये बात आपका क्लियर हो गया अभी कुछ है तो भाई पूछ सकते हो पुलिस भाई सिर्फ बी टी भाई पुलिस भाई सिर्फ आपको सपोर्ट करते हैं उन बच्चों को नहीं जो अपने आप को भगवान बोलते हैं रिस्पेक्ट बस पुरेन भैया के लिए है और पुरेन भैया के उस बंदे ने मेहनत की है ये तुषार एडी को बैठे बैठे मिला है सबेंड हो गया तो होगा नहीं भाई बैठे बैठे बिल्कुल रहता किसी को भी मिला होगा क्योंकि ऑडियंस इतनी पागल थोड़ी ना कि भाई बैठे बैठे किसी को भाई मेहनत करता है अब एडी डी को बोलोगे बंदे के बैठे बैठे लेकिन एडी फिर भी कुछ भी हुआ हो लेकिन स्ट्रीम करता है भाई दिन में आठ आठ दस दस घंटे स्ट्रीम करता है एडी तो भाई कोई आसान चीज़ नहीं है तो कहीं ना कहीं भाई मेहनत तो होती है अब बैठे बैठे तो ये हो गया ना कि स्ट्रीम ही ना करें और बैठे बैठे मिल जाए मेहनत की है तो शादी भी क्रिएट में करियर भी यार तो भाई अलग लेवल वो मेरी जर्नी वाली वीडियो देख लेना उसमें मैंने बोला था कि इंस्पिरेशन थे हैं और रहेंगे भाई भैया ने तो भाई बहुत कुछ किया अपने क्लैन के लिए भी अपने चैनल के लिए भी मतलब भैया तो भाई नेक्स्ट लेवल है भैया के लिए तो हमेशा रिस्पेक्ट है एडी के पेरेंट्स ने बहुत सही संस्कार दिए हैं अरे एड भाई कुछ बंदों का मतलब फ्रेंड सर्कल और स्टार्टिंग से वही रहता है जैसे स्काउट को देख लो स्काउट का मतलब ऐसे थोड़ा नहीं, थो नहीं। मेरे अंदर से इंटेंशन से किसी को गाली क्लोज कर रहा हूँ भाई उनके आपस में चलता है बोलने का वे है उनका ये और भाई स्काउट तो भाई आप जानते हो मतलब कितना सही बंदा मैं तो खुद फॉलो करता हूँ में बने सिर्फ स्काउट और दूसरी साइड मोटल देख लो मोटल नहीं गाली क्लोज करता क्योंकि उसका ऐसा बैकग्राउंड से है मतलब फ्रेंड सर्कल ऐसे स्टार्टिंग से नहीं रहे ना उसके टीम ऐसे स्टार्टिंग से रहे तो इसलिए स्टेक्स की तो आप बहुत बात स्टेक्स की तो आप बात सुना ही मत करो वो बहुत मतलब बहुत छोटा तेरा साल का है एज क्या होती है मैं चुनिए भाई बिल्कुल तेरह साल क्या सी होती है जब आ, जी जे सी बी बनी था ना ग्लो ग्लोबल कम्युनिटी बैंक जे सी बी तो उसमें स्टेक्स का केस आया था स्टेक्स की कॉन्फ्लिक पकड़ी गई थी स्टेक्स नहीं मानी थी यश भाई को भी पता था मतलब सारे बदुर देखा था कि वो कॉन्फ्लिक्ट पकड़ी गई थी सभी सभी चैट को पता था और उस टाइम जे बी आई सी में स्टेक्स भी था नहीं सॉरी जे सी बी में स्टेक्स भी था फिर आ, मेरे से पूछा था कि भाई जो मेन बंदे ना उस टाइम में ट्रिगर ट्रिगर भाई थे टाइगर अपना एच वन एस टाइगर था जो भी जैसे भी मेम्बर थे सारे थे उस टाइम डिसाइड हुआ जब उस टाइम बगीरा भी आया था जेनेसिस भाई भी थे तो मतलब सारे थे यार स्काई आशु था सब थे उस टाइम डिसाइड हुआ था कि भाई इसको एक साल का बैन दो तो फिर चैट में वो बोला कि शेख्स ने कहा कि भाई मेरे को मौका दो मैं अच्छे से करूँ ये वो उसने प्रूव किया वो तो छोड़ो फिर उसके बाद बात हुई कि मेरे मेरे को टाइगर का फोन आया ने टाइगर का उन्होंने बुलाया कि भाई आओ मीटिंग में तो मैं गया फिर मेरे से पूछा गया कि भाई देखो स्टेक्स अभी तेरह साल का ही है अगर अभी उसको एक साल का दे देंगे तो परमानेंट पब्जी लाइट छोड़ देगा और गलत इफेक्ट पड़ेगा तो उसके लिए भाई फिर बात हुई थी और स्टेक्स भी उधर था उस टाइम मेरे से भी पूछा गया कि पुलिस भाई आप क्या बोलते हो अनबैन करें नहीं मैंने खुद ने कहा था कि भाई स्टेक्स को अनबैन कर दो भाई मैं भी इसी के साथ हूँ हो भाई चाहता तो मैं उसके ऑब्जेक्शन में खड़ा हो जाता कि भाई नहीं मत करो लेकिन स्टेक्स भी था आई थिंक यश भाई भी थे मतलब थे बहुत सारे बंदे थे जेनेसिस भी था शायद में भी तो भाई उस टाइम भी स्टेक्स को भी मैंने एक ही चीज़ कही थी कि भाई स्टेक्स आगे भी फ्यूचर में एक तो एक कम्युनिटी में जो तू मतलब मजाक वाला बना रहे हैं तो भाई उन्हीं के साथ करो जो मजाक करते हैं ये नहीं डोनेटेड हंड्रेड रुपीज ऊपर चेट ये जो दोनों क्लैंस में बच्चे हैं ना वही पंगे ले रहे हैं आपस में बाकी बिग आ रहा है जेनेसिस भाई बस दिक्कत यही आती है भाई मतलब बंदे सीरियस नहीं ले रहे उन्हें तो क्या है भाई एक एक रियलिटी बताऊँ हार्स रियलिटी बताऊँ मेरे से लिखवा के ले लो जब रशर्स बनेगी ना तब रशर्स के जितने भी बंदे ना स्टेक्स अपना स्कोट भाई है अमन है अपना ये रशर्स में जाएंगे सिंपल सी बात है यार रशर्स में ये जब से है, जब रस शुरू में थी तो यश भाई को नहीं छोड़ सकते अभी यश भाई नहीं है इसलिए वो किसी और क्लैन में है अब अगर यश भाई आएंगे तो भाई लिखवा लो आपको भी पता है मेरे को भी पता है रसस के बंदों से जाके पूछ लो चाहे आज भी स्टेक्स या फिर स्कोट भाई या फिर अमन को पूछ लो कि भाई अगर रशस बनती है तो कहाँ जाओगे रशस में जाएंगे सिंपल सी बात है भाई उनकी वजह से उनका नाम बनाए और अगर नहीं जाएंगे तो यश भाई को बुरा लगेगा क्योंकि यश भाई ने बहुत कुछ किया है इनके लिए सही भाई मतलब वन ऑफ द मतलब बेस्ट लीडर बोल सकता उसको क्लैन में क्योंकि जो रशस में जो एकता थी ना भाई वो नहीं थी किसी में भी किसी, किसी भी क्लैन में मैंने देखा है बहुत तो यश के लिए भाई करेंगे डेफिनेटली क्योंकि यश ने किया है रशस के बंद तो भाई ये सिंपल सी बात है ये छोड़ो भाई कि क्लैन इधर से उधर गया छोड़ो यार सुबह पढ़ ली भाई कस्टम में स्टेडियम 104 में अह फोर मारी और अपने चीते 104 ने गोल्डन बुट्स में बदला किया और एडी को गुस्सा दिखाओ ना और एडी का गुस्सा दिखाओ ना थैंक्स uh, सर फॉर सपोर्ट #uniforalwaysopi थैंक यू so सो मच तुषार ने कहा कि कहा कोई भी फिश करे या ना करे गोड का बंदा फिश नहीं करेगा भाई बिल्कुल सही डिसीजन लिया समझ रहा है इस चीज को क्योंकि भाई दो बंदों के बीच में मतलब तो दो अलग अलग क्लैन के बंदों के बीच में की वजह से पूरा क्लैन का मैटर बीच में आ गया भाई क्यों यार तो रात थोड़े भाई स्पैम करने दे अगर गाली ग्लोज करते हैं तो उसको टाइम दे वरना चलने दे कोल्डी भी तो कॉन्फिग यूज करता है करता था इससे एक्सप्लेन करो कोल्डी कॉन्फ्यूग ना कभी यूज करता था ना कभी करता है और आगे का मेरे को पता नहीं क्योंकि अगर कोल्डी सिंपल सी बात है अगर कोल्डी कॉन्फिग यूज करता वन से जाता तो अगर मेरे को या वन फिर किसी बंदे को पता होता कि है किन्फ्यूगूज करता है और हमें इतना भरा बुला बोलता फीसट करता तो भाई हम बोल नहीं देते क्या कि कन्फ्यूगूज कर कन्फ्यूग यूजर है अगर कर रहा होता अगर हमें पता होता हमें नहीं हमने नहीं किया गोड़ क्योंकि तो। हाँ गोड में तोड़ा लेते भाई गोड को इज्जत प्यारी नहीं है क्या अपनी गोड को पता है भाई पिन भाई को पता है तुषार को पता है इतने टाइम से खेल रहे तुषार देख के बता देगा कि मतलब कन्फ्यूग यूजर है या नहीं है वो बात अलग है गुस्से में किसी को भी बोला जाता है मैं भी बोल देता हूँ बहुत बंदों को रैंडम को भी क्योंकि कभी कभी लगता है अलग अलग कोल्डी ना कभी कॉन्फ्यूज करता था ना है ना करेगा मैंने नहीं देखा सिंपल सी बात है भाई रशर्स क्लैन क्यों टूटी भाई रशर्स क्लैन का टूटने का मेरे को रीजन नहीं पता बस वही स्टेक्स का हुआ था तो भाई एक तो भाई इतना घट मतलब मेरे को बोलना नहीं चाहिए लेकिन भाई बोल रहा हूँ गलत ऑडियंस मतलब गलत कम्युनिटी है बहुत ही गलत कम्युनिटी है सीन हुआ था सिर्फ स्टेक्स का बंदों ने क्या क्या का क्या कहने लगे कि रशर्स बैन होगी जैसे उसमें हुआ था हमारे बीओसी में हुआ था कि बैन होगी भाई बैन नहीं हुई थी, हुई थी। वैसे ही अभी करने लगे कि बैन, सिंपल। के ना कोई ना कोई बैन हुआ। सिंपल था लेकिन बंदों ने वीडियो बना डाली कुछ बंदों ने रशर्स बैन होगी रसस है यही बात है सिंपल सा यही है भाई फंडा देखो मेरे को नहीं करना किसी से मतलब पबजी लाइट बैन पड़ा है भाई हम लोग खेल रहे हैं मैं टूर्नामेंट करा रहा हूँ क्यों करा रहा हूँ भाई मेरा मेरे को बेनिफिट बताओ क्या है क्या मेरे टूर्नामेंट से सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे अपने आप नहीं बढ़ेंगे क्योंकि जो कम्युनिटी है वही रहेंगे या फिर मैंने एंट्री फीस रख ली और प्राइस फुल थोड़ा दे दो बाकी एंट्री फीस रख लूँ जैसे ऐप वाले करते हैं ये कर रहा हूँ बीस का प्राइस फुल रखा है जिसमें एंट्री फीस ज़ीरो है क्यों रखा है भाई लॉज कर रहा हूँ ना मैं सीधा क्योंकि यूट्यूब से है मेरे को मेरे को करना था बस कुछ ताकि भाई बंदे छोड़ छोड़ के ना जाए की कितनी ऑडियंस कम हो चुके हैं भाई छोड़ छोड़ के जा रहे हैं सारे बंदे क्यों जा रहे हैं क्योंकि एक तो लड़ाइयाँ हो रही है बिना बात की ना कोई ऑफिशियल है ना कोई फ्यूचर है कुछ नहीं है हम बस आराम से खेल रहे कि भाई ठीक है आराम से धीरे धीरे करते रहेंगे अगर सपोर्ट किया ऑडियंस ने तो भाई ठीक है सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे अगर नहीं किया तो कोई ना मेहनत कर रहे हैं अब ये थोड़ी ना कि भाई मैं पूरा फ्यूचर देख चुका हूँ इसमें यूट्यूब में भाई बहुत है ठीक है एक होप है मेरे लिए मेरा मतलब मन है यूट्यूब पे इंटरेक्ट करना बंदों के साथ बातें करना बस सिंपल इसलिए कर रहा हूँ मैं मतलब बैन गेम के पीछे कर रहे हैं भाई हम ये करें उधर दूसरी साइड से भाई ये लड़ाई हो रही है कि भाई उसने उसको मार दिया कैसे मार दिया मैं मारूंगा उसने उसको उल्टा बोल दिया कैसे बोल दिया मैं उससे ज़्यादा उल्टा बोलूंगा भाई क्यों 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 भाई ये चला लो भाई दिमाग का थोड़ा जो भी हो ना चाहे वो वन का हो चाहे वो किसी भी क्लैन का हो भाई ईगो पे क्यों लेके आते हो बातों को ठीक है यार हम हार गए हम बहुत सारे कस्टमर अभी हारे हैं बहुत नीचे रहे सबको पता है भाई सब देखते हैं पॉन्स्टेबल सबको दिखती है सबको स्टीम सब पे दिखती है कि, 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 कि किसने किन को मारा भाई गोट वाइड के साथ खेलो भाई खेलेंगे भैया के साथ जरूर खेलेंगे भैया के साथ मतलब पता नहीं भैया भा, बात करे ना करे क्योंकि मेरे को नहीं लगता है मतलब। अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले दाऊद के पास मैसेज आया था भैया का नहीं जब सीन स्टार्ट हुआ ना तब मैंने भैया के पास मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे कि भैया मतलब मैं जब सीन स्टार्ट ना तभी बोला था कि भैया एक दो बंदों की वजह से गोड वनी फोर ना हो जाए क्योंकि के 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 दो बंदो की, गोड़ के एक दो बंदों बंदों की एक साथ नहीं बनती तो उसकी वजह से पूरा क्लैन बीच में ना आ जाए ये मैंने मैसेज भी किया था तो भैया का मैसेज आया ठीक है मैं समझा दूंगा भैया का ये मैसेज आया था उस साइड से उसके बाद थोड़े दिन के बाद दाऊदेरे पास क्या मैसेज आया था कुछ पूछा था ना शायद कैमरा पूछा था या क्या पूछा अभी थोड़े दिन पहले मैसेज थोड़े दिन पहले परिन भाई का मैसेज आया था कुछ पूछा था दाऊद भाई से हाँ वो टर्नी पब्लिकेशन वाला हाँ सो गाइज आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले टर्नी पब्लिकेशन का मैंने प्रमोशन किया था भैया ने प्रमोशन किया था सो सोज उसकी उसके लिए भैया का मेरे पास मतलब दाऊद भाई के पास मैसेज आया था कि भाई टर्निप के लिए कितना चार्ज किया ये सब प्रमोशनल बातें की थी नॉर्मल सी तो भाई उस टाइम भी हमारा सब नॉर्मल ही था अभी भी नॉर्मल होगा भैया के साथ अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो खेल लेंगे भैया क्या दिक्कत है गोड इन स्टीम पे ओनी को गाली किया होगा मतलब भाई गुस्सा आता है भाई स्ट्रीम पे कोई बंदा जब पाँच छे घंटे स्ट्रीम करता है ना तो भाई दिमाग खराब होता है तो ऊपर से चैट में जब ये चलता है कि मनी फोर वालों ने मार दिया ये कर दिया वो कर दिया तुम डूब ये वो भाई ऐसे वैसे मैसेज आते हैं तो भाई नहीं सहन होता भाई और ए का बिहेवियर ऐसा है कि भाई उसे सहन नहीं हो पाता भैया को कभी बोल भैया सहन कर लेंगे भैया नहीं बोलेंगे मैं भी अभी धीरे धीरे सीख रहा हूँ भाई मैं सहन करना सीख रहा हूँ तुषार भी अभी नहीं बोलता जब तक मतलब बिल्कुल ऐसा ना हो तब तक तुषार भी नहीं बोलता तुषार भी रखता है अपना भाई ठीक है को लेकिन एडी का बिहेवियर नहीं है अभी तो भाई वो अलग मेरे को एडी का वो नहीं मैं कभी उस चीज को पॉइंट आउट नहीं रखता कि एडी ने गाली दी एडी ने गाली दी एडी ने गाली दी ऐसे कैसे कर दिया मैं क्यों पॉइंट आउट करूं भाई उससे निकल गई भाई उसका बिहेवियर ऐसा है छोड़ो यार रसस क्लैंस क्यों नहीं खेलती कंपेयर भाई क्योंकि भाई बंदों ने ये ये फैला दिया हुआ कम्युनिटी में कुछ कम्युनिटी के बच्चे लोगों ने कि भाई रसस बैन हो गई है वो तो यार इतना बड़ा नाम बनाया रसस ने कुछ भी कहो रसस दी बेस्ट टीम भाई बोल सकता जब हम वनी आई बनी भी नहीं थी ना उस टाइम भी रशस टॉप पे थी रशस टॉप पे थी भाई उस टाइम भी रशस टॉप पे थी जब वनी बनी जब वनी ने काफी मैच खेले जब रशस आई थिंक बीच में एक बार टूट गई थी कुछ सीन होता था वी आई फाइव नाम कर बना था रशस वाले बनते थे अरे भाई भाई रशर्स अलग नाम भाई अलग लेवल नाम था उनका बनाया था उन्होंने स्टार्टिंग से जब अब जिला था, था तब से रेड करो भाई अजय भाई तुझे भाई रेड की पड़ी है भाई हाँ बात कर रहे हैं मतलब क्या हो जाएगा रेड से मेरे को ये बता भाई रुक जा भाई तो भाई यश यार इतना मेहनत से नाम बनाया कुछ बंदों ने वैसे ही नाम फैला दिया कि ये रशस नूब है, हैकर वैकर कह के भाई मतलब होगा भाई बुरा लगा जब वनी फोर का जब हुआ था ना कि डिस्कॉलीफाई हुई थी तब भाई कितना घटिया लगा था हमें पता है भाई मेरे को पता है हमने क्या क्या सोचे थे क्या क्या नहीं बीओसी में जब डिस्कालीफाई थे तो बुरा लगता है भाई एडी एक्स में रश का मेंबर था टॉप पे थी भाई सारे बेस्ट प्लेयर्स वहीं थे क्यों थे क्योंकि भाई कम्युनिटी उस टाइम जब हम आए थे तब एक ही क्लैन था जिसने उस टाइम आई थिंक गोड ने भी इतने कस्टम नहीं खेले थे जितने रशर्स ने कस्टम खेले थे जितने जीते थे तो भाई था यार एक्सपीरियंस था एडी भी रशद से गए ए का ही मेंबर है तो वो छोड़ो भाई तुम और यश भाई ने इसलिए कर दिया कि एक तो भाई ये पबजी बैन है इसके पीछे पड़े हुए हैं और ऊपर से भाई ऐसी बिना बात की हेट पड़ है तो भाई यश को बुरा तो लगेगा भाई इतना ज्यादा नाम बनाया तो छोड़ो यार फ्रेंड्स में मैसेज आया इसको भाई यही मैसेज आया साथ खेलो भाई यार मतलब पढ़ाई के बहाने आया हूं तो भाई बुरा लगा शायद जहां तक मेरे को पता रस का यश भाई का ये रीज़न होगा कि यश वेट कर रहा होगा कि कब अनबैन होगा फिर हम कम बैक करेंगे तो बाकी मेरे को कोई रीज़न नहीं लगता छोड़ो भाई कौन कैसे पकड़ी जाती है ब्रो कौन भाई जो खेलता है ना उसको पता लग जाता है कि कितना पबजी लाइट में मैं है कितना नहीं कितना डैमेज है कितना नहीं अब मैं खेलता हूँ इतना भी नहीं करता लेकिन खेलता हूँ फिर भी सर वन नाइन को भूल गए क्या अरे भाई वन नाइन तो भाई सभी को पता है भाई नहीं बात उसकी रस की चल रही है मैं रस की बात कर रहा हूँ प्रो योर क्लैन मेंबर्स स्नाइपिंग एंड फॉर कस्टम नोट यू ब्रो भाई मेरे क्लैन मेंबर्स ने अगर अभी कुछ किया हो थैंक यू सो मच कार्तिक चौक ट्वेंटी रुपी सुपर चैट अगर अभी कुछ किया हो, तो भाई उसकी बात हमें बाद में करूँ क्योंकि मैं बीओ मैं अभी जेबीआई कर रहा था अपनी टूर्नामेंट जो चल रही है बीस का प्राइस है तो भाई मैं इस पर फोकस करूंगा ना भाई भाई मैंने दस हज़ार लगा रखे दस हज़ार थोड़े नहीं होते भाई मेरे YouTube की आई थी दस हज़ार से कुछ भी कर सकता था अपने लिए कुछ चीज़ ले सकता था या फिर पीसी पर लगा सकता था या कुछ भी कर सकता लेकिन दस हज़ार की टूर्नामेंट क्यों कराइए भाई ताकि जो बंदे छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए हो सके तो भाई उनके लिए कस्टम करा था तो भाई कुछ लगा हुआ है इसका मतलब ये तो मतलब मैं स्ट्रीम तो करूँ एटलीस्ट जो बंदे खेलने आए हैं जो बंदे खुद को प्रूव करने हैं ऑडियंस के सामने वो तो कर पाए मैं उसके पीछे सीरियस था अंकित भाई मैं खेला ही नहीं कस्टम अंकित कश्यप ब्रो तो अभी जो भी हुआ मैं उसकी बात अभी हम एंड करने वनी के बाद वन फोर के डिस्काउंट पे करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं और कुछ ना कुछ हम हल जरूर निकालेंगे अगर नहीं निकला तो भाई छोड़ो यार देखते हैं बापा पाकिस्तान से सी अलग कंट्री का कोई इशू तो नहीं होता ना ब्रो डिस्कोट ज्वाइन का नहीं नहीं भाई कोई इशू नहीं होता कर सकते हो रशर्स कितने दिन के लिए बैन बैन नहीं है भाई रशर्स बैन नहीं है भाई रशर्स बैन नहीं है ब्रो ठीक है ये बात को भाई तुम मेरा गांठ मार के ना आराम से अपनी जेब में डाल दो रशर्स बैन नहीं है सिंपल इतना बात है रशर्स बैन ना थी हुई ना है ना, ना हुई रशर्स ने सिर्फ डिसबैंड किया खुद को मतलब रशर्स यस ने कहा कि अभी किसी और क्लैन में छोड़ और भाई छोड़ो यार भाई मुझे दो हज़ार दो सौ रुपीज शुभरात्रि थैंक यू सो मच भाई आप तो कोल्डी नहीं लीक करेगा ना वन फोर क्लाइन एक्सप्लेन करो इस बारे में भाई मेरे को नहीं पता यार देखो अगर उसे कभी कुछ बात हम अपना

करना ना ही कर्पिन भाई अच्छा ना ही मेरा डिस्कोट जो है ना ही भाई कर्पिन भाई का हो रहा है ए ने क्या कॉन्फ्यूग यूज़ किया है कभी प्लीज ऑनरस्टी बताना भाई नहीं क्या कि अगर किया होता तो जब ए के साथ सीन हुआ तो मैं कुछ ना कुछ या तो हिंट दे देता अगर या बोल देता भाई नहीं किया ए ने कभी आज तक नहीं किया अभी सारी रिकॉर्डिंग करता है ए टी लाइव भी तक करता है तो भाई तुम देखो ना यार कहाँ भाई यार कब से खेलता आ रहा है वो उसके मैचेस देखो भाई तुम हर सीजन कितना खेल रहा है का, का सीन है उसका एम कुछ ज्यादा नहीं है मेरे को ऐसा नहीं लगा भाई पर्सनल है अपने सारे मैसेज का रिप्लाई दिया थैंक्स ओके रजत भाई अगर अभी भी कुछ कर है तो करो लेकिन प्लीज ये यहाँ के भाई गाली गलोच मत करो ना ही जो मेरे बंदे देख रहे हो वहाँ गोड में गोड की चैट में जाके ये मत कि मतलब ये वो भाई क्यों क्यों भाई क्यों भाई स्पोर्ट्स में ऐसी कोई टीम है जो कभी ना मरी हो किसी टीम से एक भी टीम का नाम बता दो भाई वनी फोर e हर टीम से मरी है रशर्स हर टीम से मरी है गोड हर टीम से मरी है छोटी से छोटी से लेके बड़ी से बड़ी टीम तक भाई कस्टम साथ में खेलेंगे तो मरेंगे हमेशा कौन सी टीम जीती है आज तक ऐसा कभी हुआ है अभी कल का पता नहीं परसों का सीन है हम किसी एक टीम से मर गए चैट में लिख रहा छी भाई तुम तो उस टीम से मर गए नूबड़े अरे तो भाई वो टीम नहीं है क्या वो कस्टम नहीं खेल रही क्या उसे खेलना नहीं आते क्या मतलब ऐसा जरूरी है कि हम हमेशा मरे और हम किसी से मरे ना किसी से भी मर सकते हैं भाई तो इसका मतलब ये नहीं तुम तो तो दो नाम बता दो कि जो हमेशा कस्टम जीते हाँ ठीक हो गलती होती है यार भाई मेरे से इतनी होती है मेरी वजह से कितनी बार वनी मरी है तो छोड़ो यार यूट्यू योर साई छोड़ो यार भाई प्लीज गॉड वालों के साथ खेलो हमने भी मारा था को। बिल्कुल भाई सबने मारा है यार ऐसा कोई क्लाइन नहीं है जिसने नहीं मारा भाई। हर क्लैन ने हर किसी क्लाइन को मारा अगर कस्टम साथ खेलेंगे एक कस्टम नहीं दो कस्टम नहीं टी वन के जितने भी खेलते हैं ना भाई हर किसी ने हर किसी टीम को मारा है भाई जो खेलते हैं उनको पता है तो ये मारने वाला तो भाई छोड़ो भाई कोबरा क्या कोबरा अगर गोड ने आपको बुलाया तो जाओगे क्या भाई

भाई बंदे कंपिटेटिव देखने नहीं आते भाई जो चैट में आते हैं कुछ बंदे आते हैं कम्पटेटिव देखने सिर्फ लेकिन बाकी बंदे जो हमें भाई बिना कम्पिटिव भी सिंपल क्लासिक खेलते हो तब भी देखते हैं चाहे दस बीस तीस पचास सौ डेढ़ सौ दो सौ कितने बंदे देखे लेकिन देखते है ना बिना वैसे भी तो क्यों भाई लड़ाई क्यों करनी है भाई कोई दो दिन का मेहमान नहीं इधर कि भाई हाँ गोड वाले आज के गोड वाले सिर्फ आज आज खेलेंगे या नहीं फिर आजाद खेलेंगे लड़ाई कर लो आजाद कल का तो पता नहीं क्या भाई हमें रहना है हमें भी सर्वाइव करना है वो तो भाई डेफिनेटली रहेंगे रहेंगे हाँ ठीक है भाई हम अभी यूट्यूबर्स में काफी छोटे हैं वो भाई बहुत टाइम से भैया भाई ने बहुत टाइम से मेहनत किया आज नहीं लगे भाई वो बहुत टाइम से उन्होंने मेहनत किया खुद की बनाई है इसकी वजह से आज उनके ओडे से वो अलग चीज़ है भाई कोल्ड आपके क्लैन में आ गया भाई बिल्कुल भाई क्लैन चेंज होते रहते हैं भाई छोड़ो यार तुम तो भाई गोड क्लैन से क्यों निकाला भाई सुप्रिया तिवारी वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो मैंने कवर कर लिया है वो कुछ थर्ड पर्सन ने कुछ बोल दिया था भैया को जिसको वो सच मतलब एक बात थी उसको एक एंगल से भैया को बताया गया जो दूसरा एंगल था उसका वो भैया को नहीं पता था भैया क्या मतलब तुषार को नहीं पता था और वो बात ऐसी थी कि अगर मैं होता ना उसकी जगह तो भाई मैं भी गुस्से गुस्से में कर देता इतनी मतलब वो वैसी बात थी उसके बाद भाई फिर हमने कोशिश की फिर बात बूत हुई फिर हमने कुछ दिखाया कि भैया ये देखो ऐसा ऐसा सीन था भाई छोड़ो यार वैसे ही वनी फोर से पिटती है गोड तो आप गोड में क्यों जाओगे भाई पिटती पिट भाई कुछ नहीं है भाई हम भी बहुत पिटे हैं हम भी बहुत पिटे हैं हर टीम से पिटे हैं भाई हाँ ये तो ना हम हमेशा जीते हैं भाई भाई सिंपल सी बात एफ टी डब्ल्यू भाई एफ टी डब्ल्यू तो भाई क्लैन ही लिजेंट है भाई क्योंकि जब मैं शुरू में यूनिफॉर्म में आता ना तब से एफ टी डब्ब्ल्यू का वही लाइनअप दिख रहा है जो मेन लाइनअप है ये नहीं कि जो बंदे बातें जाते वो नहीं मेन लाइनअप है जो जेनेसिस जीनी रिवो रोहित वगैरह तो है वगैरह भाई ये ये चीज़ भाई मैं हमेशा एफ टी डब्ल्यू से सीखता हूँ भाई कि अपना जो इनका मेन लाइनअप है ना वो भाई वही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए भाई कोई नहीं छोड़ के गए इन्हें वो बात अलग है जो बाद में गए लेकिन जो मेन है तो वो तो है ही सोरी अरे जी ओके के वन फोर लियो क्यों नहीं खेल रहा भाई लियो वो न, मतलब उसकी मतलब अभी क्लास सुलूसल है ना तो घर के वाले अलाउ नहीं करते गोड आर्मी थैंक यू सो मच ब्रो भाई फिर कॉल्डी कस्टम क्यों नहीं खेल रहा अभी कस्टम अभी इसलिए नहीं खेल रहा क्योंकि उनके घर कोई गेस्ट वेस्ट आए हैं तो उसमें भी जो और भाई फिर अरे हो गया कोल्डी आपके क्लैन में है में कोल्डी अभी हमारे में है गोडो माई फेवरेट टीम थैंक यू सो मच ब्रो तुषार का क्या सीन है

अपना को ग्राइंड करेगा जितना ज़्यादा मैचेस खेला उतना ज़्यादा नॉलेज आएगी सिंपल थैंक यू सो मच राज रंजीत कुमार गुप्ता फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल ब्रो लोनेटिंग टीम पता है भाई पता है ब्रो गेम भाई कौन सी क्लाइन में है ब्रूटल वनीफोर हल्क ने किया फीस भाई वो बात मैं इसके बाद में लो क्लाइन में ले लो प्रिया मैम ओके okay. कोर्ट से क्यों निकला ऐसा क्या हो गया जो किक करना पड़ गया भाई कुछ बात थी भाई जिसका एक साइड पता चली थी भैया कोर्ट दूसरी साइड हमें पता था भाई मैं तो नॉर्मली स्ट्रीम कर रहा था उस टाइम तो कोई सीन नहीं था स्ट्रीम करते करते बोला कि वनीफोर्स से निकाल दिया मेरे को लगा कि वैसे ही मजाक मजाक कर, कर रहे होंगे मैंने स्टीम पे भी बोला मैं मैं छोड़ो यार मजाक मजाक कर रहे हैं कोई ना लेकिन फिर मेरे को बुरा लगा कि मैं उनकी भी मैं गलती नहीं मानता क्योंकि अगर वो बात मेरे को पता चल अगर मैं उनकी जगह होता और वैसी चीज़ मेरे को पता चलती तो भाई होता भाई मेरे को भी गुस्सा आता झूठ जी नहीं मैंने एक में था लेकिन जब अप्रैल में तब की बात कर रहा हूँ मेरे भाई वैसे तो अपना जेनेसिस भी उसमें था वाला बॉयज में था

अपने जोकर को क्लैन से कि क्यों नहीं क्या कॉन्फिक जानते हुए भी आ, मतलब बीस टैन ओपी भाई स्टैंड भाई मैं बताऊँ क्या सीन हुआ था जैसे को मतलब ब्लास्टी और जोकर फ्रेंड थे आपस में वाले मतलब बिल, बिल्कुल बढ़िया उनका एक दो था तो लियो ब्लास्टी और जोकर वीसी में बैठे हुए थे तो उस टाइम वैसे मतलब अभी उन्होंने कर, एक वो खेला टीडीएम खेला उसमें हैकर आ गए फेक वाले आ गए तो गंदी तरह से इनको मार दिया तो भाई उसने ब्लास्ट ने गुस्से गुस्से में बोल दिया कि भाई आ, मैं भी कौन लगाऊंगा मैं भी ये करूँगा तो चौकर ने काम किया जैसे आ, मैं और दाऊद है तो मैं दाऊद को बोल दूँ भाई जौकर दाऊद यार ना दाऊद मेरे को बोल दिया कि पुलिस यार भाई मैं भी कौन फेक लगाऊँ मैं भी मारूँगा इनको ये क्या है भाई कौन फेक लगा कहते हैं तो भाई मैंने मेरे को नॉलेज थी मैंने उसको वीडियो लिखकर लिंक उठा के दे दिया तो प्लास्टिक दे दिया ना प्लास्टिक ने यूज़ की ना जोकर ने कभी यूज़ की थी और वो भी फाइल पता क्या है कैसी थी उसका आप एक बार पढ़ना उस पर क्या था ऑटो हेडशॉट ऑटो एब अगर कोई ऑटो हेडशॉट और ऑटो एब लगाएगा जिसको मतलब अपने आप ही एम लगे ऑटो हेडशॉट लगे तो वो अलग से नहीं दिख जाएगा हालांकि जोकर के ऊपर एक बार भी एलिगेशन नहीं लगे और ना ही उसके ऊपर लगा होगा ब्लास्टिक के लिए उसको क्विक स्कोप का लगा था तो वो सीन था और ना वो किसी ने यूज़ की तो वो नॉर्मल फाइल थी यार यूट्यूब वाली फाइल कब तक चलती है यूट्यूब पे कोई भी सर्च कर ले फाइल आ जाए वो कब तक चलती है और अलग ही दिखती है भाई वो वो हैक ही होता है कौन फिक नहीं होता है हैक ही होता है वो तो छोड़ो तो वैसा सीन था और फिर ब्लास्टी ने किसी को वो फाइल वो उसका स्क्रीन शॉट क्योंकि ब्लास्टी को जबनी फोर में निकला तो ब्लास्टी और वो जोकर की बिगड़ गई जैसे उनकी बिगड़ी उन्होंने वो स्क्रीन शॉट कर दिया तो बस वही सीन है भाई पुराने जो फ्रेंड होते हैं जो बहुत सी चीज़ कॉमन होती है भाई जो कि गलत भी होते, होती है लेकिन शेयर होती है आपस में अब हो सकता है कुछ ऐसी बात हो जो मेरे को पता और गोड को पता हो लेकिन हमने किसी को शेयर नहीं की हो या मेरे बारे में कुछ गलत बात भैया को पता हो तो शहर को पता हो और ऐसा थोड़ा ना कि भाई हमारी अगर बिगड़ेगी तो मैं लीक कर दूंगा तो बस वैसा वो लीक हो गया था उसकी वजह से सीन हुआ था लेकिन ये कोई प्रूफ नहीं मिला कि ब्लास्टर ने वो कौन यूज़ किया जोकर ने वो कौन वो भाई दो फ्रेंड का सीन था तो मेरे को कोई गलत नहीं लगा मुझे पता है भैया कि बर्थडे से बर्थडेट नहीं बर्थडे वाली वीडियो से नहीं हुआ था भाई कोई सीन गुड मॉर्निंग लॉल करो भाई क्लाइंट में एडजस्ट करने के लिए मेम्बर्स मेल में, मिलाप करो और साथ में खेलो भाई अभी पता है मैं बताऊँ साथ में खेल भी लेंगे ना मैं बोल बोल दूँगा या फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई ऐसे कि ज्यादा है कि भाई भैया खेलो भी खेलो भी खेलो भैया खेलो प्लीज खेलो तो भाई एट द एंड क्या होगा उनका किसी क्लैन का बंदा के मतलब वैसे भिड़ाने वाले काम आके उठा के कि पुलिस का तो क्या है भाई आ जाते हैं मर जाते हैं तो आ जाते हैं कि भाई क्लैन में साथ में खिला लो ये वो कर लो ऐसे वैसे ऐसी वैसी बातें करेंगे फिर भाई वैसे ही मन खराब होगा मेरा भी और उनका भी तो वही वाली बात है भाई समझ सकते हो तुम वैसा सुना वैसे ही नहीं ऐसा था कि ना सुनते ही लोग कव जब इस गेम में शुरू हुआ था हाँ भाई बिल्कुल भाई जब गेम उस टाइम भाई अलग ही लेवल था भाई बनाया था इन्होंने चिल वट अबाउट वन नाइन क्लाइन भाई वन नाइन के लिए तो भाई मेरे को बुरा लग रहा है सी इतना कह सकता हूँ क्योंकि वन नाइन भाई इतना मस्त चल रहा था टॉप टीम्स की थी फिर भी ब्रेक हुई क्यों हुई डोंट नो ई स्पोर्ट्स में कौन कौन सी कौन कौन से बेस्ट एंड नॉर्मल क्लाइंट्स को जानते हो अच्छी तरह से सोच के बताओ भाई बहुत सारे क्लैन हैं अब तो बहुत ही सारे भाई जो भी जेबी से जो भी खेल रहे हैं सत्रह चौदह की के ओके सी एस के कर आप सुने हो सोनिया भाई गो टू कोल्डी कोल्डी कहां गई चैट कहां गई कहां गई लव फ्रॉम प्लीज थैंक यू सो मच हर्षित भाई बहुत-बहुत शुक्रिया एक सेकंड गाइस एक सेकंड गाइस 200 की वाचिंग चल रही है ठीक है एक काम करोगे मेरा हम्म एक काम करोगे अभी एडी लाइव है एडिया तुषार छोड़ो भाई मेरे को गालियां तो वैसे ही पड़ रही है एटलीस्ट सीन तो खत्म गुड एडी एडी लाइव नहीं है तुषार लाइव है हाँ देखो गाइस मेरे लिए काम करोगे प्लीज एक लास्ट रिक्वेस्ट करो पता है मेरे को गालियां पड़नी है बाद में भी कि पुलिस ये कर दिया वो कर दिया कुछ बंदे बोलेंगे जिनको भिड़ाना है लेकिन भाई मैं कोई वो सीन नहीं करना चाहता जब भैया भी बैठे हैं सुनो भैया भी बैठे हैं है। तो देखो भाई मेरे को मोड से भी हटा दिया भाई मैं मोड था यार पहले भाई।, भाई पता है मन खराब होगा जब क्लैन वाले बोलेंगे भाई मेरे को भी जब गोड के बारे में मैसेज बोलेंगे क्लिप्स उठा उठा के भेज देते कि ऐसा बोला उसने ऐसा बोला लड़ाई करवा रहे भाई मैंने बात की देखो मेरे को मोर्चा तोड़ा दिया शायद उन्होंने यहाँ जाके ना मैं लिंक लिंक तो क्या देना है लिंक चलो मैं फिर भी स्पैम कर देता हूँ जो ढूंढना ना पड़े यहाँ जाके ना स्पैम कर दो सॉरी एंड लव फ्रॉम वनीपुर ठीक है सॉरी एंड लव फ्रॉम वनीपुर ये लिख देना ठीक है चैट में स्पैम कर देना सॉरी एंड लव फ्रॉम वनी फोर प्लीज ये कर देना शायद कुछ ठीक हो सके भाई जो बात आज हुआ है वो मैं बात कर लेता हूँ उससे ठीक है क्लाइंस से बात कर लेता हूँ जो देता है आ गैस। एक बार आज सारे भाई चैट में लिख दो तो सॉरी एंड एंड लव लव फ्रॉम फ्रॉम ठीक है कर दिया मैंने सारे लोग जल्दी मार भाई वन स्पेस वी फोर लिखना ठीक है क्योंकि तो सिंपल वन शायद हाइड कर रखा है चैट में नहीं दिखेगा वन स्पेस v स्पेस फोर ठीक है भाई स्लो मोड ऑन है यार चैट में स्पैप कर दो भाई प्लीज 200 बंदे हो यार इजीली हो जाएगा इतना तो कर सकते हो स्पैप कर देना भाई चैट में देख रहे हैं

अरे ये भी मिस मत करो देखो तो लोडी कर दो चले मत जाना कोई पहले ये लिखो चैट देखने दो मेरी चैट ही नहीं दिख रही भाई मैं को हाइड मार दिया, दिया क्या मतलब हो गाइस कम ऑन करने वाला अगर उस भाई के 5k हो गए तो तुषार करेगा मैं नहीं करूंगा भैया तुषार टूर करेगा भैया ऐसा थोड़ी होता है मतलब अगर अगर 10000 रुपए सुपर चैट आते तो तू करेगा भाई देख तुम करोगे मैं क्या करूंगा 500 सब्सक्राइबर और ये बंदे को कम करा दो यार सारे भाई लोग मिलके एक बार सारे भाई लोग जितने भाई देख रहे हैं भाई 5000 उसके होंगे टर्क मुझे करना होगा भाई LOL भाई नहीं वो भाई वो ₹10000 का सुपर चैट आएगा उसके लिए करना पड़ेगा अच्छा फिर ठीक है वो बंदा भी करेगा अभी चाय बना देना दोनों एक साथ दोनों एक साथ कमारिया मटकाना अपनी कमरिया <laughs> नहीं देख रहे कमरिया टॉप क्या गाना भी नहीं आता तो कुछ ऐसा ही कुछ गाना है को उनसे रोज़ थोड़ी गाता अरे तो तो इतना गाइस यार 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 सारे कर दो दो फटाफट दबा सब्सक्राइब बटन अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं दो

आई थिंक अब हो गई रेड खत्म तो होने तो फिर करते हैं स्पैम ठीक है ना रुको अपनी चैट को लेते हैं तो नहीं इतने स्पैम किया रे कोई ना अभी वो रेड वेड कर रहे होंगे ना तो इसलिए नहीं देखा हुआ रुको मैं खेलता भी कहूं सोलो पता है सोलो खेलता नहीं हो ना सोलो 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 लगा ले मैचिंग करता है क्या बोलते अरे नहीं अरे स्कॉट भैया डुओ ज्यादा हार्ड रहता है डुओ ज्यादा हार्ड रहता है चल इनवाइट करना कोई तेरा वो लगा हुआ है चल अब मैं तुझे तो बताता हूँ देख खेलते कैसे है ठीक है अब ध्यान से देखियो आंखों से नाक हो गए खुद जाके भाई वो रुक जा होने दो मैं खुश नहीं रहा था तू नहीं खुश रहा था ना ऐसे मैं भी नहीं खुश रहा था ठीक है और उसके चक्कर में भाई मैं भी मर गया भाई इस चक्कर ऋषिराज भाई थैंक यू सो मच पैसा फेंक नाचेगा

मेरे को हाइड कर दिया भाई यहाँ से भैया अकेले स्पैम करके क्या कर लूँगा मैं कोई ना कोई ना बाद में करते हैं रुक जाओगे मैं बंदे ही नहीं जा रहे अरे कोई ना चले जाएंगे बाद में रेड करो भाई रुको रुको करते 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 हैं एक चैट देखी चलो गाइज अभी आ जाओ अभी आ जाओ चैट पड़ी जा रही है गाइज आ जाओ स्पैम कर दो सोरी एंड लव फ्रॉम अनिफोर ठीक है अभी पड़ी जा रही है अरे मैं यहाँ स्पैम कर देता हूँ

चलो 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 थोड़ी थोड़ी चैट दिख रही है सोरी एंड वन भाई शायद वन फोर नाम की वजह से चैट रुक जा रही है तो सिर्फ स्पैम करो सॉरी ठीक है सिर्फ सोरी लिख दो सिर्फ सॉरी लिख दो वो अपने आप पूछ लें कि किस लिए सॉरी किस लिए अरे WhatsApp मैसेज खोल लेता हूँ नंबर लीक हो जाता है यहाँ लिख दो सॉरी सिर्फ सॉरी लिख दो गैस सिर्फ सॉरी ठीक है नहीं पड़ी जा रही है गाइस चैट अमन बारदवाज थैंक यू भाई कुशपेन थैंक यू सो मच राजू थैंक यू सो मच भाई अरे अरे पढ़ लो भैया क्या कर रहे हो अरे तो 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 हमारा भी सुन लो. सोरी स्पैम कर दो सिर्फ सोरी वनीफोर दिख नहीं रहा ना उधर शायद हाइड कर रखा तो क्या स्टाइट में एक बार सोरी सोरी कर दो सोरी लिख दो हाँ सोरी अभी स्पैम दिख रहा है थोड़ा सॉरी स्पैम कर दो रुको मैं लिंक दे रहा हूँ गाइस सारे भाई आके सिर्फ सॉरी लिख दो ठीक है सिर्फ सॉरी भाई खत्म करो भाई ये भाई, भाई मेरे तो एक क्वेश्चन है अभी रिसेंटली हाँ, हाँ हाँ अभी बताता हूँ रुक जाओ इतने ओपन टूट गई है मैं अरे मैं इतना डैमेज दे कट ले वहां सिर्फ सॉरी स्पैम कर दे ठीक है सिर्फ सिर्फ सॉरी लिख दो हां ये ये, ये। ये 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 अब 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 तो पढ़ लेंगे अब तो पढ़ लेंगे भैया अब तो पढ़ लेंगे भैया अब तो पढ़ना पड़ेगा नाइस 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस थैंक यू लव यू अरे भैया इधर भाई एक तो मेरा पीसी सुलवाया यार थोड़ा सॉरी लिख दो भाई स्पैम कर दो भाई क्या कर रहे हो भाई चैट देख लो भाई एक बार मुंडी तो उठाओ एक बार चैट देख ले तो दिख जाएगा सॉरी ओ भाई इतना गंदा स्पैम भाई थैंक यू भाई थैंक यू गाइस गोड गुलजार भाई चलो भाई मॉडरेटर ने थोड़ी तो मतलब वो दिखाई थैंक यू सो मच गोड क्या नाम था इनका गोड झुलकर हां देख लिया देख ले देख लिया अब अब देख लेंगे अब देख लेंगे सॉरी सॉरी

मोडेटर का नाम अगर पुलिस लिखता ना तो दिखता अगर आप पुलिस लिखोगे तो चैट नहीं सिम नहीं दिखेगी आपकी मतलब नाम नहीं दिखा तो शायद मतलब बंदे स्पैम कर रहे हो ना मेरा नाम तो इसलिए हट हो सकता है क्योंकि मैंने बीच में एक टाइम आया था जब वो नाम ही हटा दिया था तो ताकि बंदे स्पैम ना करें अरे भैया भैया क्या कर रहे हो मैं भैया के घर वाले फ़ोन पे फोन कर दूंगा भैया चैट देखो ओके okay. अब नजर ऊपर आएगी अब नजर ऊपर आएगी जब किसी बंदे को मारते हैं तो नजर ऊपर आती है जब किसी टीम को मारते हैं तो चैट पे नजर आती है अरे 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 अरे, अरे। भाई तुम लिखते रहो भाई तुम लिखते रहो गैस तुम लिखते रहो भाई कत्ल करो भाई यार तो ये हाँ देख रहे देख रहे

शोल्टो थैंक यू सो मच फोर हंड्रेड सुपर चैट भाई रेड ऑन द चेरी बॉय बहुत रीच डाउन है स्ट्रीमिंग की ग्यारह एक सौ ग्यारह के सब्सक्राइबर्व थे इसके हम भाई सॉरी ब्रो अभी थोड़ा सा काम करें भाई फॉर श्योर हम करेंगे भाई आज हम वैसे भी रेड करने वाले रेड करेंगे नाम याद कर लेना भाई द चेरी बॉय प्लीज चैट मेरे को याद दिला देना द चेरी बॉय हम जरूर रेड करेंगे भाई आज हम वैसे भी रेड करने वाले इसके बाद सारे स्ट्रीमर्स लाइट के सॉरी फॉर थैंक यू सो मच बोर्शन गेमिंग शुक्रिया स्काई बोर्शन है ना ये थैंक यू सो मच भाई बोर्शन भाई

इसके चिकन के बाद तो पक्का भाई देख रहे हो अपने को मतलब मैच स्टार्ट होगा ना तब सॉरी स्पैम करना शुरू किया था भाई प्लीज ये सॉरी मीटर ने मत देना चैट से अभी के लिए तो ये मैच जब तक खत्म होता तो तो है तब तक तो बिल्कुल नहीं स्ट्रीम क्यों टकरी मेरा नेट हगू है क्या पुलिस सॉरी बोल रहा है पुलिस सॉरी बोल रहा है थैंक यू भाई चुलकर भाई वो चैट में ओपी क्यों भाई सॉरी लिखा रहा पीछे <laughs> से हो पाएगा भाई चैट में सॉरी गायब हो रहा है गाइस चैट में सॉरी गायब हो रहा है प्लीज सो हां सॉरी सॉरी अच्छा ठीक है भाई हम बात कर लेंगे डोंट वरी मैं समझ गया भाई अच्छा समझ गए भैया आगे बढ़ो समझ गए भाई 5k कराए इन्होंने 5k तो कराना रे हो

देख लेते अभी करते कोई करते Let's see. Oh <laughs> बाकी भैया को बुरा लगेगा कि सिर्फ एक ही चैट चैट में एक ही चीज फैम हो रही है आई थिंक लेट्स भाई मेरे को देखना है भैया बोलें। <laughs> बोलेंगे कुछ तो ना कुछ <laughs> फिर हम रेड करेंगे ठीक है सारे स्टीमर्स पे पब्जी लाइट वाले पे अब गोड राजेश भाई बोल रहे हैं प्लीज शॉर्ट आउट दे दो भाई इन्हें बस शॉर्ट आउट ना दर्द ना किसी के ना दर्द ने किसी को सताया होता ना आँखों ने किसी को रुलाया होता खुशी ही खुशी ही होती हर किसी के आसपास अगर बनाने वाले ने दिल ही ना बनाया होता नहीं, दर्द सुनते हैं नहीं नहीं ने किया कोल्डी ने पहले क्या था।, था।, तो था ना मेरे को किया था पुलिस को मेरे को किया था भाई तो उसी के लिए तो सॉरी बोल रहे हैं भाई मैं था नहीं ना रूम में पता नहीं बीस था या रूम में नहीं था उसी तो सॉरी बोल रहे हैं

तो आप लोग स्पैम मत करो कोई बात नहीं आई कैन अंडरस्टैंड एक हीट मूवमेंट होता है उस टाइम पे जब हम लोग कट्टा वगैरह खेल रहे होते हैं यही मैं बोल रहा था तो होता है निकल जाता है छोड़ो तो तभी मैं बोल रहा था कि एडी के बात का मैं नहीं सीरियस लेता नेचुरली से छोड़ो भाई चलो मिल गया आई थिंक हमें रिप्लाई ना और तो कुछ नहीं चाहिए चलो भाई अभी चलते हैं

लेट्स होप खत्म हो भाई मैं कस्टम नहीं खेलने वाला आज के बाद भाई जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं होता ना भाई मैंने बोल दिया भाई मैं आज के बाद कस्टम नहीं खेलूंगा तो चैट देखो सुनो जब तक ये पूरी तरह से खत्म नहीं होता ना भाई अरे अलर्ट बॉक्स को हाइड कर दिया जब तक ये पूरी तरह से खत्म नहीं होता ना भाई सिंपल सी बात है प्लीज चैट में मत लिखना कि मुझे हाइड कर दिया को हाइड कर दिया अरे कोई ना भाई एक दो मोडेटर्स को आई थिंक अच्छा नहीं लगा कि हम करें देखो सिंपल सी बात है मैं कस्टम नहीं खेलूंगा जब तक ये सारा सीन नहीं होता और अगर मैं अभी तो जब बात उन्होंने अरे कोई ना भाई वो तो कुछ मॉडरेटर्स को आई थिंक अच्छा नहीं लगा हुआ सुनो मैं कस्टम रूम नहीं खेलने वाला जब तक मैं मेरी टूर्नामेंट करा रहा हूँ मेरी टूर्नामेंट जैसे एंड होती है कोई लेना देना नहीं कस्टम रूम से ठीक है सिंपल सी बात मैं वनी से बात करूँ अगर वनी वाले मान गए तो ठीक है और अगर नहीं माने नहीं माने मतलब अगर नहीं मानते कि भाई हम अरे उनकी स्टीम चल रही है भी पीछे चलो कर देते हैं हम उसको हाँ देखो सिंपल सी मैं ये बोल रहा था कि मैं कस्टम नहीं खेलूँगा अगर भाई यही सीन चलता रहा तो मैं वनी फोर्स वालों से अगर अभी बात करूँगा अगर वो इस फीसट वाली चीज़ को बंद करने के लिए बोलते हैं तो ठीक है भाई अदरवाइज मैं छोड़ो मैं बाद में बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा लेकिन इतना शोर है मैं जब तक कि पूरी तरह से हाइड नहीं किया ना किसी को हाइड नहीं किया ब्रो अल्फा टॉक्सिक थैंक यू सो मच भाई शिम भाई आप हमारे और भाई वहाँ सपोर्ट किया उसके लिए दिल से शुक्रिया अल्फा टॉक्सिक भाई जितने मॉडरेटर थे भाई जिन्होंने सपोर्ट किया शुक्रिया कॉन्ट्रोसी खत्म करने के लिए और देखो कोल्डी आपके क्लाइंट में क्यों आया क्योंकि भाई कोल्डी वनी फोर का ही बंदा था टाइगर भाई से बात की और भाई पूरी मेजोरिटी ने कहा कि ले लो तो इसलिए वो हमारे क्लाइंट में आ गया सिंपल सी बात है छोड़ो यार ये तो अभी मैं जो बोल रहा था ये है कि बै नहीं खेलने वाला जब तक कि पूरी तरह से खत्म नहीं होता भाई और दूसरी बात प्लीज अगर आगे से कोई वन फोर का सीन बाकी होगा नहीं आज हम बात कर लेंगे जैसे स्ट्रीम एंड होगी उसके बाद मीटिंग कर लेंगे और उसके बाद अगर कुछ होता है फिर भी अगर वनी फोर वाले नहीं मानते हैं तो भाई उसके बाद जो डिसीजन लूंगा वो आपको भी पता चल जाएगा मेरे को भी तो छोड़ो भाई वो चीज़ें अभी तो सबसे पहले भाई दिल से शुक्रिया भाई जितने भाई भी गए थे जिन्होंने सपोर्ट किया भाई कॉन्ट्रवर्सी खत्म करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कॉन्ट्रोवर्सी खत्म भाई मैं बहुत स्मैम किया भाई मैंने देखा यार सभी बंदों ने स्पैम किया लिटरली उनके मोटेटर्स तक ने हमारी सपोर्ट की तो भाई इससे बड़ी और क्या चीज़ चाहिए मुझे को मतलब चलो ये तो शुक्र है भाई मेरे को लगा नहीं था ऐसा होगा इतना अच्छा मतलब उनकी चैन में सिर्फ सॉरी चल रहा था तो उसके लिए एक तो अच्छी बात ये भाई कम से कम बंदे समझते तो है कि चलो छोड़ो भाई उसके लिए शुक्रिया भाई जिन्होंने भी नहीं किया और वैनम इट्स ओके भाई छोड़ो भाई आई थिंक हमें वो मिल चुका देखो जो भी हुआ उसके लिए फिर से जो आज हुआ भाई मैं रूम में नहीं था मेरे को नहीं पता चला हालांकि पीछे कुछ हुआ मेरे से भी एक दो बार बीच में मैंने मल... हीट मोमेंट मतलब कुछ बोल दिया था मेरे जो कि काफ़ी गलत नहीं बोलना चाहिए हालांकि एक ही बार बोला है मैंने और जो हमारे क्लैन के बदरी वाला उसकी तरफ से तो सॉरी बोल रहा हूँ लेकिन आज मैं भाई इसका फाइनल कर दूंगा अगर वनी फोर वाले माने हालांकि मान जाएंगे मेरे को पता है अगर माने तो ठीक है अदरवाइज जो होगा वो तो छोड़ो भाई वो अलग ही सीन होने वाला है अगर नहीं मानते बाकी मान जाएंगे जहाँ तक होता है नाइन्टी परसेंट है वो मान जाएंगे अगर एक आधा बंदा कुछ करता है तो भाई सिंपल सा होगा जो नहीं माने गया तो वो क्लैन में रहेगा या मैं सिंपल सी बात है मैं मैं छोड़ ही दूंगा भाई सब कुछ छोड़ दूंगा मेरे को क्या करना है भाई मैं इधर क्यों बैठा हूँ क्यों बैठा हु सिंपल सी बात है भाई मैं यूट्यूब के लिए बैठा बैठूँ मैं अपनी ऑडियंस के लिए बैठा मैं अपने गेम के लिए बैठा मैं अपने पैशन के लिए बैठा बैठाऊँ लॉकडाउन चल रहा है मेरी ग्रेजुएशन चल रही है ग्रेजुएशन के एग्जाम होते हैं मैं एग्जाम देता हूँ चलता है थर्ड ईयर तक देखो सिंपल सा मेरा प्लान बता दो थर्ड thur... मेरी अभी सेकंड ईयर चल रही है सेकंड ईयर चलने तो थर्ड ईयर है शायद मैं सेकंड ईयर तक इस स्ट्रीम पर करूँगा थर्ड ईयर में मैं स्ट्रीम नहीं थर्ड ईयर शायद करूँ अगर सपोर्ट मिला अनबन होता है तो वरना मैं छोड़ के चला जाऊंगा भाई कोई नहीं कोई नहीं याद करने वाला अभी दो दिन का काम है कि पुलिस ये वो उसके बाद कोई याद नहीं करेगा कि पुलिस कौन है भूल जाएंगे सब सिंपल सी बात है तो भाई मैं नहीं चाहता कि मैं दो चार बंदों की गालियाँ लेके भूलू क्योंकि जो जो अच्छे काम करते हैं उनको भूल जाते हैं लेकिन जो जो गाली खाने वाले काम करते हैं उनको नहीं भूला जाता अगर कोई पैर से पहले आया जिसके साथ मेरी बिगड़ी हुई है हम उसको नहीं भूलते लेकिन जो अच्छे काम करते हैं उसको भूल जाते हैं तो ऐसा सीन हो जाएगा एट द एट द एंड तो छोड़ो भाई सब सीन हो गया एटलीस्ट पेंड भैया समझ के अब आगे वो जो भी करे कोई दिक्कत नहीं हमारी तरफ से हमने सॉरी बोल दिया है और भैया भी आई थिंक मान चुके हैं जो क्योंकि जो उन्होंने बोला तो सही है सेम चीज़ हमेशा रहने वाली है तो क्लाइन से बात करेंगे हम सिर्फ मतलब वो खेल लेंगे भाई क्लासिक खेलेंगे कोई दिक्कत नहीं है टीम कोड दे दिया करेंगे कस्टम रूम की जगह अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है वरना कस्टम रूम भाई बहुत से चैनल पे लाइव हो रहा है जो कस्टम रूम कराते हैं वहाँ उनकी स्ट्रीम देख लेना कोई दिक्कत नहीं है तो जो भी हुआ सही है यार मतलब एट द एंड पीछना मेरे को ही पड़ा अब अभी भी मेरे को बहुत गालियां पड़ने वाली है मेरे को पता भी गालियां पड़ने वाली है अब बंदे बोलेंगे कि मेरे क्लाइन वाले बोलेंगे कि भाई पुलिस तू डरता है तेरा ये नहीं है वो नहीं है तूने क्यों उनको सॉरी बोलती भाई मेरे को लड़ाई नहीं बढ़ानी ये क्या है भाई यहाँ बोल दो वहाँ बोल दो यहाँ बोल दो वहाँ बोल दो बिना बात का भाई रिलेशन खराब बंदों की वजह से उनकी वजह से चैट में भी आपस में चैट भी पता है पहले हमारी एक होती थी अब चैट भी बट गई है कुछ बंदे अब अगर वनी फोर उन्हें मार देते तो वहाँ चैट में वनी फोर होता रहता है जिसकी वजह से उन्हें वनी फोर को हाइड करना पड़ा जब गोड वाले मेरे को मार देते थे तो यहाँ गोड ये वो नूब नाम करता इसलिए मैंने गोड नाम को बैन कर दिया था बीच में अभी नई बैन की अभी तुम गोड गोड लिख रहे हो दिख रहा है अगर पहले तुम लिखते बीच में कुछ बंदों को पता भी होगा कि बीच में बंदों ने अगर गोड लिखते थे वो चैट ही नहीं दिखती थी क्योंकि मैंने गोड नाम को हटा दिया था इतना मेरे को मतलब वो पड़ा मूड खराब हो गया था भाई मेरा स्ट्रीम पे मन ही नहीं करता था बहुत ही कम तो भाई मेरे को हेट नहीं चाहिए यार सिंपल सी बात है किसी को नहीं तो भाई वो तो छोड़ो और आज जीरो मेंबर्स थे आपके बुरा लगा अरे नहीं जीरो मेंबर्स तो नहीं थे ऐसा तो नहीं हो सकता अभी तो आज और कल दो दिन तुम्हें मेम्बरशिप लिया बहुत बंदों ने सो सोगाई छोड़ो भाई जो भी हुआ सिंपल सी बात है मैं कम्बलेटिव नहीं खेलने वाला जब तक पूरा शोर आउट नहीं होता मैंने तो छोड़ दिया कंप्लेट अभी बंदे बोलने वाले कभी पुलिस डर गया ये वो बस की नहीं ऐसे वैसे एंड बैंड जो भी होगा छोड़ो भाई मैं कोई कस्टम नहीं खेलने वाला कस्टम खेलूंगा तो सिर्फ वो खेलूँगा पब्लिक कस्टम किसी की ब्रैंडम में घुस गया ठीक है या फिर कोई अपलीकेशन का खेल लिया अगर इन फ्यूचर मैं किसी अपलीकेशन का प्रमोशन करता हूँ या कोई और लेकिन ये टीवन वगैरह नहीं क्योंकि ऑफिशियल है नहीं यार क्यों भाई स्क्रीन में जाके लड़ाई होती है इधर से चैट भी बट गई है भाई यहाँ की आधी चैट होगी वहाँ की आधी चैट होगी वहाँ वाले इधर का ले देते हैं इधर वाले वहाँ और कुछ कॉमन होते हैं जो दोनों पे मतलब वो करते हैं तो छोड़ो गाइस अभी हम करते हैं रेड देखो जितना सपोर्ट किया उतना ही प्लीज इस रेड में भी कर देना और सबसे पहले कौन था द जेरी बॉय ठीक है तो हम चलते हैं सबसे पहले द जेरी बॉय पे रुको गाइस हम चलते हैं द जेरी बॉय पे ठीक है रुक जाओ यूट्यूब खोलने दो मेरे को द जेरी बॉय पे चलते हैं और भाई कोई लाइक एम टारगेट नहीं रखा भाई छोड़ो भाई क्या लाइक कर रहे थे पता नहीं कहां की बात कहां चले की पीना बात गई बिना का ठीक है भाई एक एक तरफा करो भाई आज आज जो हुआ एक तरफा होगा मैं मेरी स्ट्रीम पे भी कर लूंगा जो होगा एक तरफा होगा भाई ये रोज रोज हर रोज का भाई ये सी मेरे बस की बात नहीं है भाई सही बता रहा हूँ मैं मेरे बस की बात नहीं है भाई ये तुम क्या चाहते हो मैं पहले छोड़ के चला जाऊ भाई मैं बहुत ज्यादा मतलब दिमाग से ना इतना मूड खराब यार तुम्हें पता होगा भाई कितना मूड खराब रहने लगा था मेरे को सिर्फ इसी बात के लिए कि भाई क्यों मेरे को गाली क्यों भाई क्यों हेट क्यों और भाई ऑडियंस को तो बस मौका चाहिए ऑडियंस वो ऑडियंस नहीं कुछ बंदे तुमने देखा होगा भाई कुछ बंदे हमारी चैट में उनकी बुराई करते हैं और उनकी चैट में हमारी बुराई करते हैं दो चार बंदे हैं मैंने खुद ने देखा है तो उनकी वजह से छोड़ो यार जो भी हुआ ठीक है प्रेम भैया को हमने हमारी तरफ से सॉरी बोल दिया और उन्होंने आई थिंक मान लिया तो जो कि काफ़ी सही है इन फ्यूचर अगर जो भी होता तो भाई वो ठीक है फ्यूचर पर छोड़ देते हैं हम मेरे को कस्टम नहीं खेला सिंपल सी बात है भाई मेरा हो गया दिमाग खराब बहुत मतलब हो लिया चलो अभी रेड करते हैं कस्टम खेले करेंगे टीम कोड दिया करेंगे आराम से मस्त अगर ठीक लेगा तो ठीक है अगर ऑफिशियल आता है तो ऑफिशियल खेल लेंगे जैसा यश भाई ने किया मैं भी वैसा ही कर देता हूँ भाई छोड़ो भाई सन्यास ले लेता हूँ मैं भी क्या रखा है भाई कुछ नहीं रखा भाई छोड़ो हालांकि मैं सोच रहा था कि कस्टम खेलूँ भाई मेरा मन था बहुत ज़्यादा कि कंपिटेटिव खेलूँ लेकिन अब तो क्या खेलेंगे छोड़ो भाई लड़ाई हो रही है बिना बात की चलो गाइज रेड करते हैं हम रेड है द जेरी बॉय पे करते हैं ठीक है थीके? सबसे पहले चलते हैं द जेरी बॉय पे द जेरी बॉय द जेरी बॉय लाइव है क्या हाँ गाइज लाइव है भाई एक सौ ग्यारह के है और इसमें इनके है पच्चीस की वॉचिंग आ रही है सुनो थोड़े मजे करते हैं गाइज एक बार देखने तो फेस कैम है क्या फेस कैमे तो देखो ट्रक की बोलते हैं अगर इनकी वॉचिंग दो सौ प्लस चली गई ना तो पक्का टवर्क कर देगा ये गारंटी है पक्का ट्वर्क कर देगा अगर इनकी 200 दो सौ प्लस चलेगी तो रुको मैं देखता हूँ आप सभी अरेड अरे ब्रो, बनी भाई, भाई हट भाई क्या लिख रहा है तू गेमर, ऐसा भी। आ, तो भाई को क्या गाना सुनना है या ट्वर्क करना है ना लिख लिखना या तो ये लिखना गाना गाओ या या ये लिखना कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं रुको देखो ये लिखना है वो लिख देना दोनों में ठीक है

गाना या ट्वर्क जो भी मन करे उस पर हम कर दो हाँ oh ये देख रहे देख रहे, देख रहे यस पुलिस ओपी कौन सा गाना सुनोगे भाई हेलो हाँ ये गाना गा रहे गाना गा रहे चैट में बताओ कौन सा गाना सुनना है भाई सच में रेड है क्या लाइक और सब्सक्राइब कर दो तो सारे भाई गाना गाओ गाना 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 इफ यू आर अ गर्ल पुलिस भाई अरे नहीं लड़का हूं भाई मैं

चिकनी चमेली लिख दो चिकनी चमेली का चिकनी भाई चिकनी चमेली का दे अरे यार ये क्या बात है भाई अच्छा YouTube पे चैट देख रहे हैं मेरी स्टीम मत देखना भाई अभी लिख दो अभी लिख दो कि चिकनी चमेली का चिकनी चमेली का चलो भाई चिकनी चमेली चिकनी चमेली लिख देना ठीक है आ जाओ सारे भाई आलो अच्छा सॉरी डार्लिंग मैं कहीं ले गया सॉरी डार्लिंग सॉरी डार्लिंग सांझ तो ने मैं घड़ी लेगा या फिर शाम को मैं ज्यादा लेगा मतलब अरे सच भाई मेरे को चैनल का नाम तो बता दो यार अरे कुछ नहीं है चैनल का नाम कुछ नहीं भाई रैंडम पुलिस क्या है भाई <laughs> पुलिस राइडर चैनल का नाम तो पुलिस राइडर <laughs> भाई चैनल का नाम कुछ भी हो गाना गा दो भाई हमें बस गाना सुनना है आपके एक भाई ने आइए मजा आया

आजो 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 लिखते हैं हैं गाना गाना सुनते हैं से अरे अरे लिख लिख रहे सॉन्ग दो कल तुम लेकर थी। पर होगा। अरे दीदी दीदी चैट पढ़ ली गाना गाओ गाना गाओ पुलिस रेड नहीं गाना गाओ स्ट्रीम करिए दीदी दीदी चैट पढ़ लो दीदी आजा रेड करते बैठ

गाना गाना सुनेंगे हम रे थैंक यू नहीं सुनने आए हम इधर गाना सुनने आए बोलो सॉन्ग ये तो ठीक है सॉन्ग मानवी मानवी शर्मा रही है मानवी शर्मा रही है, की है। ये गाना लड़की की आवाज वैसी अच्छी होती है कुछ भी गा दो अरे गाना हेलो दीदी क्या क्या भाई देख रहे हो गाना भी बोल रही भाई ऐसे कैसे चलेगा भाई नहीं

गाना चाहिए थैंक यू आपने दे दिया मेरी स्टीम खोल रही है पक्का नहीं नहीं बोल रहा मानवी कौन सा नहीं भाई गाना सुने बिना कोई हिल मत जाना। तो चैट में तो मैं लिखता हूं। तो वैसी है। सुनाओ कोई भी यार। कर। भाई, में हुआ। कोई मेरे टक्कर का स्पैम करके दिखाओ देख रहे का नाम लिख दो भाई देख कितना अच्छा गा रही है तो सुन के देख भाई तो अच्छा हुआ थी भाव और खा रही थी ये भाई, रामी रामी तो भाई ऐसा हमसे ना गाए जाए भाई लड़कियों की आवाज अच्छी लगती है भाई ओपी लिख दो गाई चैट में आओ चैट में स्पैम लिख दो ओपी ओपी स्पैम कर दो मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया गाना सुन के चलो नाइस कीप ग्रोइंग लाइक फ्रॉम द पुलिस गिविंग भाई ठीक

सिंगर सॉन्ग पुलिस हरामी पुलिस हरामी पीसी में खेल रहा है क्या ये इंसेंटिव पीसी में खेलता क्या? Song, है क्या सॉन्ग ट्वर्क लिख रहे हैं यू आर अंडर रेस्ट लिखने को बोला था भाई पुलिस गेमिंग यू आर अंडर रेस्ट लिख दो प्लीज दाउद स्पैम करते भाई लिंक हां कर दाउद स्पैम करे गाइस आ जाओ यू आर अंडर रेस्ट लिख दो यू आर अंडर रेस्ट हां ये हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे भाई लव यू आप हैप्पी बर्थडे अभिषेक भाई हैप्पी बर्थडे अभिषेक भाई बोल हैप्पी बर्थडे आपको भी अरे अभिषेक भाई का अभिषेक भाई कर देता <laughs> कैसे कैसे इशारे कर रहे हो भाई सेंटी भाई गलत लग रहा है भाई मेरे को बिल्कुल यू आर स्पैम कर दो लाइक कर दो नहीं लाइक मैं तब करो तो भी मतलब को कोई अच्छा मोमेंट आएगा ना तब जब हमें दिल से फीलिंग आई कि भाई लाइक करना आप लोग तो कर दो यार पीसी में खेलता है ये अरे स्पेक्टेट कर रहे हैं फोन में खेलता है अरे क्या हुआ हैकर वैकर है क्या भैया जी भैया जी चैट भैया जी भैया जी कुछ चल आएगी थोड़े दिनों में जिम की याद हम भी जाने वाले देख दे रहे। देख। भाई देख ही नहीं रहा चैट नहीं होगी नहीं है भाई अपनी हम्म तो कोई इज्जत नहीं अपनी छोट छोटे चो चो यूट्यूबर्स पे करेंगे इज्जत करते हैं भाई इंसेंटिव भाई आपसे इग्नोर कर दिया इंसेंटिव भाई आपने हम नाराज हैं आपसे हम नाराज हैं इंसेंटिव से इंसेंटिव लगा के नाराज है हैं हम इंसेंटिव लगा के नाराज हैं हम चलो भाई अभी आप देखे भाई हां भाई अब देखा है भाई रहने दो भाई मैं नाराज हूं भाई तुमसे अरे भाई पूरा इंटेंस हो रहा था मैच

हाँ हाँ सिंचन की आवाज में कुछ बोलो ऐसे लिख देना ठीक है सिंचन की आवाज में कुछ बोलो लिख देना सिंचन की आवाज में कुछ बोलो देखते देखते बोले गए नहीं लिखना सिंचन की आवाज में कुछ बोलो नाम मतलब बंदे का नाम लिख दो कि सिंचन की आवाज में कुछ बोलो पैम करियो तू पुलिस की रेड आएगा पहले बोल दिया रेड आने वाली कर रहे है कर भाई कितने हरामी बंदे है भाई ये 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 हरिदराज वहां भी था ना गाली निकाल रहा था आ, ये गाली निकाल रहा उस चैट में भी भाई क्यों भाई हरिदराज भाई मैंने क्या बिगाड़ा आपका को ये बता भाई मेरे निकल हम सिंह की आवाज में कुछ बोलोन की आवाज क्यों नहीं आती भाई अब तो बोलना पड़ेगा सिंचन गेमिंग नाम रख लिया और बोले सिंचन की आवाज नहीं आती हमने पुलिस वैसे ही नाम नहीं रखा हाँ हमारा भी रीजन है रीजन है भाई इसका रिएक्शन देख कैसा भाई क्या है भाई भाई यार इतना घटिया रिएक्शन भाई बोल रहा है थैंक यू सो मच रेड करने के लिए भाई बस भाई, भाई पांच से नब्बे की वोटिंग गई भाई सख्त लौंडा है तो भाई सख्त लौंडा है सख्त लौंडा है सख्त लौंडा चैट में लिख दो सख्त सक्त लोंडा सक्तलोंडा लोंडा लिख दो चैट में रुको रुको सक्त ऐसे चेक? सक्त नहीं सक्त सक्त यहां लोंडा लोंडा uppi पुलिस पार्टी पुलिस पार्टी uppi मस्त लोंडा भाई पुलिस पार्टी uppi वैसे इतना ही सक्तलोंडा uppi कर दो सक्तलोंडा uppi सक्तलोंडा uppi की चैट में सही करता वही सक्ताई देखकर वो लड़के की

बोले इस गाना तो आ, आप सबसे सुनते हो कभी आपकी या दाऊद आप या फिर दाऊद भी गाना गा के सुनाइए चैट को भड़काने की कोशिश नहीं इन नए तेज हो रहे हो अरे अरे वो देख चैट पे देख कौन किस हाँ चैट पे देखते किस किस पे सेवन पिक बता किसी पे मोस्ट सेवन पिक दिख रहा है मुझे तो मोस्ट सेवन पिक एटी प्ले एटी भी लाइव है क्या मिडे गेमिंग पे रेड करो मोस्ट सेवन पिक जैनमो

इकतीस मिनट पहले लाइव आया है एक ही वोचिंग चले यार पूरा लगा हम पहले ही लाइक कर देंगे भाई हिम्मत मत हारना भाई मेरी भी ऐसी चलती थी अभी भी ऐसी चलती। अभी भी ऐसी चलती है पूरा मत मानना क्या हुआ

सो कैद में एक बार रश कोड राहुल वाइटी रश कोड राहुल वाइटी देख मैंने सर्च किया शायद नहीं, नहीं भाई लाइव नहीं है वीडियो डालते हैं एक सौ अठानवे ही सब्सक्राइबर चलो भाई को सब्सक्राइब कर देना भाई सर्च कर भाई देखो सर्च, सर्च करके नहीं मैं लिंक ही दे देता हूँ चैनल का तीन सौ लाइक करने भाई के ठीक है सो तो बड़ा भाई पेस्ट कर दिया भाई ये क्या कर दिया तीन सौ लाइक हो जानी चाहिए भाई देखो जब तक तीन सौ लाइक नहीं होने तब तक हाँ तीन सौ सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए गाइस जब तक तीन सौ नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं भाई इनके तो करना यार बस भाई सुपर चैट मत, मत करना भाई विनती है और सुपर चैट मत करना भाई किसी चैनल का नाम लेके प्लीज सारे भाई आगे एक बार तीन वो कर दो भाई इनके पुलिस भाई एक गाना सुना दीजिए हमारे के लिए ये हर्ष भाई पक्का

दबा दो यार सब्सक्राइब कर देखो मैं भी करता हूँ तुम्हारे सामने मेरे मेरी आईडी से भी करूंगा मैं भाई के चैनल को सब्सक्राइब क्या नाम है इनका रश कोड राहुल वाईटी मेरा भाई यूट्यूब वाईफाई कनेक्ट नहीं हुआ अभी तक आई आईडी नहीं रियल रश कोड राहुल अरे ये मोड है अपना हर्ष ऑफिशियल नूब इंसान तेरे को पता भी नहीं है अपना मोड नहीं है

पुलिस आपा, आपा को आज आपा को पूजा बनना पड़ेगा हम नहीं सुने गाना गा रहा हूं सुपरचैट मत करना भी बस बस बस, बस। गाना गाएंगे बस, बस रुक मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं गाना गा रहा हूं <laughs> गाना यार तू इतनी छोटी सी बात के लिए भाई कैसे है सुपरचैट अरे सुर लगाऊंगा गिटार लेके आ भाई ओए तबला लेके आ मेरा हारमोनियम लेके आ ओए बच्ची हारमोनियम वो हारमोनियम वाला याद अब्बा हारमोनियम बजाते नहीं नहीं खाते थे वो वाला ना <laughs> देखो अभी कोई सुबह नहीं करना गाना गा दूंगा मैं डन डन है गाना गाएंगे डन गाना गाएंगे बने रहिए बने रहिए डन डन गाना क्या यार छोटी क्या, सी चीज है गाना है पुलिस ट्वर्क कर देगा <laughs> ए ट्वर्क कर देगा पुलिस भूल जाओ ट्वर्क करेगा कभी ये ख्याल हो तो निकाल दो मैं चैनल डिलीट कर दूंगा ट्वर्क नहीं करूंगा भाई मिलियन पे दाऊद करेगा भाई मिलियन, मिलियन पे दाऊद करेगा भाई मिलियन पे हाँ मिलियन पे कर दूंगा पक्का मिलियन पे कर दूंगा अभी तो नहीं करूँ हल्के में रेड करो हल्क खुद ही बोल रहा है मेरे चैनल पे रेड कर दो अबे हट नुबड़े बे सर हम आदमी बनी फॉर की बिजती करा रहा है तू ची चलो गाइस अभी नेक्स्ट स्ट्रीमर पे चलते गाना गाना ना भाई कर दूंगा देखो रेड मत कर अभी क्या लिखा था हम नहीं छोड़ेंगे इन्फॉर्मिया गेमिंग के लिए एक गाना तो बनता है पक्का रेडी से नहीं हूँ रियल मोड हूँ पहचानो हाँ हाँ हर्ष भाई पहचान लिया भाई

इज्जत तो ठीक है मेरे पास दो में दाऊद भैया को बहुत इज्जत की तरफ से दाऊद तेरे को भी इज्जत दे रहा है अरे हमेशा मिले भाई लव यू भाई मेरी इज्जत है दाऊद तेरी भी इज्जत है कांग्रेचुलेशन तेरी भी इज्जत है ग्यारह मिनट ग्यारह बोल रहा है मर जाऊंगा अरे भाई ओपी यार लाइक लाइक दिल से दिल से शुक्रिया भाई सारे भाई भाई को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठीक है

सर प्लीज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट चलो भेजिए वाले आते। इनको बोलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ लिख दो चैट में लिख दो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो पुलिस की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो ये लिख दो प्लीज एक बार आज एक बार जाओ भाई भाई जाओ आज आज स्पैम करो वो लिंक इसका लिंक स्पैम कर देता भाई मजा आ गया सब पे रेड अटेंशन क्यों ले रहे हो यार सेवन टू थ्री नाइन आप अरे ऐसा मत बोलो zero, three, मैं zero, मैं खुद रिक्वेस्ट six, कर रहा हूँ आपको आप four, मत करें मतलब आप मत करिए मैं मैं रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ के नाम से मतलब इतनी इज्जत दे दीजिए कि ये काम मुझे करना पड़े आपको नहीं भेज दी भाई अब तो पहले इनको बोलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो रिक्वेस्ट करो ये कर दो ये कर दो भाई रिक्वेस्ट रिकेप्ट करो ना भैया यार इज्जत ही नहीं है भाई तुम बोलो फुल इज्जत भाई ज्ती नहीं दे रहे हो भाई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे भाई भाई लड़के ने इमोशनल कर दिया भाई पता है इनका तो मैसेज मेरे तो पास तब आया था जब इन्होंने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट नहीं की थी कि लगाटो वगैरह से कैसे स्ट्रीम करते हैं सब मतलब बहुत पहले से देखता रो पे बहुत मेहनत किया भाई ने और स्पेशली भाई सेवन पिक का एक बंदा है लेजेंड करके वो भाई जब मेरे मैं गोड में नहीं गया था उससे पहले मेरे दस के भी नहीं थे उस टाइम से वो देख रहा है और उससे प्यार आ रहा है मतलब उस तब से आ रहा है तो फुल प्यार भाई साहब को कीप ग्रोइंग चलो गाइस भैया को रिक्वेस्ट भेज दिया बोल देना रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले हम चलते हैं नेक्स्ट पे चलो गाइस चलो चैट में से उठाते हैं चैट में से उठाते हैं यार बस गेम खुल जाए मेरा मेरा गेम तो खुल जाए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले हां आ गए

भाई नहीं उन्होंने हाँ। हाँ। उसने मना किया था कि चैट में मत मतलब लेकिन इतना इतना सोच लो डोनेशन में अभी तक की हाईएस्ट डोनेशन हार्ट गेमिंग भाई ठीक है। चलो भाई उसी पे करते हार्ट है। है गेमिंग और वो भी रेड के लिए नहीं है यार करते हैं स्पेशल रेड होगी इनके लिए स्पेशल एक ही होगी इनके लिए प्लीज और किसी और के ऊपर रेड करते है भाई लाइव नहीं है यार ये मैं चैनल का लिख देखते हैं

डॉक्टर रेबल वाइटी हां सर लाइव लाइव ही नहीं हो यार आप अरे खुद ही कर रहे हैं स्पैम देखो ये डीप है भाई सॉरी भाई भाई लाइव लाइव पे कर लेते गाइस एक बार ठीक है जो लाइव है उन पे रीड कर लेते हैं और कोई दूसरा नाम दाऊद और ए गाना गा रहे ना हां गाना गाएंगे हम इन्फॉर्म में लिए पक्का न न न न न न जल्दी-जल्दी दाऊद इधर के <laughs> खुद ही कर रहा है भाई इस पर यार देख रहे हो कि जीरो वॉचिंग आ है हाँ तो देख लेना लाइव है तो अगर देखिएगा तो नाम ना बोलियो ठीक है हाँ नाम ना खुद एक बार लाइव ही नहीं है भाई अरे है लाइव ये क्या है पबजी वाई लाइट लाइव अनलिमिटेड कस्टम रूम तीन सौ बीस 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 बीस

अबे बीसी नाम ही गलत है भाई पब्लिक फ्री फायर बट थैंक यू फॉर एडवाइस अबे इसको पता था रेड आने वाले देख रहे दे अभी दे वाचिंग भी नहीं है अच्छा वाचिंग ग्लिच आई है भाई ये 3600 की थी लिख दो आ, देख लो बीसी दो थैंक यू सो मच भाई दिमाग पगला गया भाई मैं आपके आपका भाई रेड भाई थैंक यू भाई लोल भाई बस थे भाई आपके लिए भाई भाई मैं आपको भाई भाई मैं आपके भाई अरे लव यू भाई मेरी स्टीम चल रही है इसके बैकग्राउंड में शैतान 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 मेरी स्टीम चल रही है इसके बैकग्राउंड में ठोक दो भाई लाइक लाइक ठोक दो भाई सारे भाई, के सारे भाई लोग बीसी तो यार इसको पता था था कि बीसी तो लिखने का मजा ही नहीं आया भाई अब हट यार क्या भाई यार भाई मजा खराब हो गया यार लाइक कर देना भाई सारे भाई लोग प्लीज भाई इसका पता था रेट आएगी पता है इसके बैकग्राउंड में स्ट्रीम चल रही थी मेरी ओ भाई यार ओए रुक जा यार यहाँ यार चैट में मतलब गुचल मुचल हो गया हाँ आ... अरे हाँ इस, इसके ऊपर करते हैं इसके ऊपर करते हैं रुक मेरी स्ट्रीम चल रही थी उसके बैकग्राउंड में को सुनाई देगा नहीं है ना लाइव नहीं लाइव अरे लाइव ही दिया भाई क्यों क्या क्यों क्या रहे अच्छा ये तो था हाँ तो बेरे बनाए एडीपी रेड कोई फायदा नहीं है भाई वैसे ही <laughs> मतलब वही तो सेम ही तो ऑडियंस से क्या रेड करना और ऊपर से वहां पर मिल गया एम ब्रेंड गेमिंग है तो नहीं हार्ट गेमिंग को बोलो भाई नहीं, ऐसे तो मजा नहीं आएगा कल करें। करेंगे, करेंगे हार्ट गेमिंग करें। पता ही नहीं तब मजा आएगा अब तो कल ही करेंगे जस्ट अभी बंद कर दी उसने अरे यार गैलेक्सी थोड़ा सा लेट हो गया अभी चैट में देखते हैं और किसी को उठाते हैं ये गेमर एक्स किंग

पुलरश की बिरोट्रू के लिए यार टू के हम करा तो नहीं सकते सॉरी यार वरना तो करा देते ये लड़का है लड़की है दिव्या है या दिव्या नाम है इसका क्या नाम है लड़का है आ, क्या लिखें इसके ऊपर स्पैम यू आर अंडर अरेस्ट ही कर लेते हैं भाई

यार थैंको मच so भाई रेड के लिए भाई thank गाना भाई गाना ब्रो वट इज दिस बिहेवियर बिरोक यू सो मच मेरे भाई भैया गाना नहीं आता अभी तो रहा था कितना झूठ बोल रहे भाई वो अभी गा रहा था दाऊद ये दाऊद अभी गा रहा था ये वॉइस से लग रही है अच्छा गाऊंगा यार भाई क्या अरे हमने सुना है तब बोल रहे भाई, भाई, भाई जो भी नया आ रहे हो भैया प्लीज लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें तो तो थैंक इंसेंटिव गेमिंग पुलिस गेमिंग वाईटी लव यू अरे इंसेंटिव रेड करने के लिए ये रियल नहीं है रियल नहीं है दिल से शुक्रिया दिल से शुक्रिया रियल ये बिल्कुल का इंसेंटिव अच्छा इंसेंटिव राहुल भाई मैं करूंगा इंसेंटिव गेमिंग यार रेड इस टाइम कर आईएफआई लेजीटो भैया ये तो भाई स्टीम पे भी आता है ये नहीं आता यार भाई सो सॉरी भैया यार चलो कोई ना यार प्लीज ये मत करवाओ यार भाई चलो 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 कोई ना सुना दूंगा अकेले सुना दूंगा। भाई हम तो भाई मैं भाई है भाई। गाना, गाना।, ये कौन सा गाना का गाना, नाम तो चिकनी चिकनी चमेली चिकनी चमेली चिकनी चमेली गाना गाना शीला की चिकनी चमेली पहले ही आ गए शीला की जवानी शिला की जवानी शिला की जवानी या चिकनी चमेली गाई लिख दो चलिए मजा आएगा ये शीला तो की जवानी मोड कहाँ गए सारे शीला की जवानी लिख दो पुलिस को पेल भाई यार मत लिख भाई यार सॉरी भाई माफ कर दे शीला की जवानी शीला की जवानी भाई भाई नेविज

हां वो खुशी के पल किसने लिखा ये बहुत हंसोगे भाई टिकरी जमे लिखा दो फिर खुशी <laughs> के पल भाई पुलिस आनी भाई आपके लिए कुछ भी भाई कह रहे पूछूं आई ये कह था अभी मैं किसी और का ही लिंक स्पैम कर रहा हूं ये है खुशी के पल कहा ढूंढ तुम मेरा बड़ा भाई नहीं होता ना <laughs> ओ भाई भाई भाई, भाई तो जाने कितने जाने कितने आगे नहीं आता पे रेड मार दी जिंदगी की

इज्जती नहीं है मेरी और बेइज्जती करा दी भाई एम्ब्रिन जी सॉरी कान का चुनाडोन है <laughs> चैट में अगर मेरे को मिला ना भाई देख लियो तेरी खैर नहीं भाई <laughs> गा रही गाना ये लव फ्रॉम द पुलिस गैंग आई टी भाई क्यों तो, तो सहारा सहारा है दोस्त तो दो गाइस अभी आ जाओ यार ओपी सॉन्ग लिख दो भाई गर्मी लग गई मेरे को तो भाई <laughs> तो क्या बंदा है तू क्या बंदा है भाई अबे ये लिंक आया कहां से अबे लिंक आया कहां से मेरे को समझ नहीं आया कब कॉपी कर लिया मैंने

तो कीप ग्रोइंग कि कुछ कर नहीं सकते साथ मरना ही पड़ेगा साथ जीने ऐसा कुछ होता है ना कीप ग्रोइंग अरे यार चैट ही नहीं चल रही भाई यार बेजती करवा रहे हो भाई तुम यार ऐसा मत करो गाइस आई थिंक भाई वरना अगली रेड नहीं करेंगे भाई नहीं करें। मैं नहीं, नहीं कर रहा भाई अगली रेड यार देख रहे हो भाई छप्पन इनकी तो इतनी तो इनकी भी है इंसेंटिव राहुल बिग शोटी प्रो गाइज यार चैट भाई आ जाओ भाई यार तुम भाई भाई यार इसने रायता फैलाया था चलो हम गाना गाते हैं अभी ठीक है दाऊद मैं गाना गाऊंगा अभी चलो अबे चल दाऊद भाई तूने रायता फैला दिया भाई ओपी लिख दो गाइस चैट में स्पैम कर दो ओपी क्या यार भाई दाऊद भाई तू यार हट भाई तू नूब है भाई हट इसके ऊपर ना रेड हुई पहले पहले आधे बंदे भेज दिए बाद में दोबारा बंदे गए ही नहीं <laughs> वो पता क्या बोल रही थी वॉन सेंस <laughs> <laughs> भाई भाई ये दाऊ क्या पता है भाई यार तो भाई भाई, रुको कैसे आप चैट में ये बताओ पबजी लाइट या पबजी पैल सर uh, हाथ छोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज रूलक गेमिंग का बनके करा दो हमारी चैट स्ट्रीम ही नहीं चल रही मतलब स्ट्रीम कर नहीं चल रही इतनी देखो कैसे हो जाएंगे इतने में इतनी वॉचिंग में कै, कैसे हो जाएंगे इतनी वॉचिंग में क्या नहीं हो पाएंगे ना इतने पे तो अरे मोहित क्या निकल चैट में कहाँ है मोहित की चैट राजा भाई सब ऐसे रे मेरे भाई एक बार चैट में दाऊ दो भी लिख दो गाइस मीटिंग अरे हां मीटिंग करनी है गाइस आज अरे गा, 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 गाना कौन सा गाना गाइस चलो अभी बताओ बस बहुत हो भाई ये ये, ये कुछ ज्यादा हो रहा है भाई ऐड दो भाई इसको हरिद्राज भाई हम सोचे मजाक चल रहा है कोई दिक्कत नहीं भाई रै, रै, रैप दे, दे, दे दिया दे दिया हाइड दे दिया भाई हमने इनको

ईयरफोन लगा ले इस फोन में कानों में ईयरफोन लगा ले और जो ये बोलेगा ना वैसे वैसे पीछे पीछे, पीछे बोल गाली अरे तू तो धीरे धीरे बोलना है ऐसे चिल्ला के तो तोड़ना कान है अबे ईयरफोन लगाए पाछे मेरा पाटा को नहीं ना कम आवाज कर लियो ना बिल्कुल ईयरफोन की बहाना मत मारा जल्दी आ हरियाणी गाना गा दे कोई हरियाणी गाना हरियाणी गाना

दिलबर दिला दे अच्छा वो यो दिलबर दिलबर है मच्छर पर पी। पी। पीलो रानी पीलो रानी बिल्लो रानी।, रानी अच्छा बिल्लो रानी कहूं तो अभी वो वाला चांद दे ओके है चंडू वाला भाई मेरे कितनी तक व्हाट्सएप मैसेज चेक आउट ये लाइन भी याद को नहीं आंदी रुख कौन से अरे तू तो लिरिक्स है ना यार तुम ही हो

भाई पैटर्न बदल रहा है लड़का अरे नहीं, नहीं, नहीं यही है ये यह देख तूने भाई गर्लफ्रेंड बनती नहीं भाई कंपटीशन कंपटीशन जस्ट तो किस लिए चेंज करूंगा पासपोर्ट जस्ट Just... मतलब बन जाएगी तो चेंज कर देगा तू तो. वो तो करना पड़ेगा ना तो <laughs> <देखे> पर्सनल टॉक <laughs> प्राइवेसी <laughs> पर ऐसे किस्मत कहां गुंडी शक्ल की आ गया सुन रहे का ना स्वाद आ रहे

दत्तक जो ना ओके भाई है मेरा मेराओगे तीनों गाऊंगे कोका को लागे हाँ तीनों गाना गाएंगे चलो गाएंगे गाना गाएंगे सोना सोना बूटी बूटी हो ये तो आ गया <laughs> <कुण लो> <laughs> उसका डिंचक पुजाड़ा <laughs> यो कौन सा नाम है ठंडो तो को, 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 को को लियो लायो लुंगी डांस नहीं भाई मानी हरियाणी गाना सुनो ना तुम भाई मस्त है गदब कदे कदे गदब मजा आ जाएगा फुल चकास अब बंद कर थोड़ी यो तेरे को बंद कर तेरा भाई फॉर्म में आ जाएगा हां ठीक है चल तू का चल तू का स्वाद आ रहे नहीं गाना गाती कौन करता नहीं पर गाएंगे चल अब नहीं दिख रहा

<laughs> <laughs> को को लो लो हो। तेरा भाई भाई इतना ही था बस ये क्या भाई? चालन तो दे, भी, म्यूजिक अच्छा, चल रहा है म्यूजिक चल रहा है म्यूजिक चल, 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 चल रहा है बैठ के तो ये सारा गाया बा, बावन गजाट ले बावन गज का दमन बावन गज का दमन भाई वो तो याद भी है मेरे बावन गज का दामन ठीक है बावन गज का अरे वो तो जोकर का फेवरेट है बोला उसको जोकर का फेवरेट है <laughs> जोकर से गवाया तू था जोकर से गवाया था बावन गज का दामन का bawna, चलो बावन बावन गज का दामन हो जाए चैट में बावन का डबल कर दे चिंता ना करो ना तुम्हें दो जनेंगे बावन बावन का एक सौ चार गज का दामन, दामन चलो भाईगी चलो। दामन पैर मटक चलूंगी बावन गज का दामन पैर मटक चलूंगी गाओ अच्छा म्यूजिक आ गया क्या, म्यूजिक आ गया हमारे ठुमक कर दे थोड़ा सा ये मोनो तो डुम कर लग रहा है मोनो वाली फुल है मोनो तो डांस <laughs> करने लग रहा है ओ मां क्यों इतनी देर में तो हां पास पास चल रे मैं होएगा जे कुड़का जुत्ती मड़कर यारी पैरू छिड़ेंगी बहुआ मैं तकरार जब मैं हवा की तरह आ लहरू सोने की गुठी गड़ी मैं हार डालूंगी सोन तो गज का दमड़ पैर मटक पे चलूंगी और सॉलिड बॉडी सॉलिड बॉडी सॉलिड बॉडी सॉलिड बॉडी अब देखो इनफोमिया जी आपने एक गाने के लिए कहा था हमने कितने गाने कहा क्या है ऐसे ही अरे तारे भाई सिंगर अरे मैं मैं इतना सॉफ्ट सॉन्ग गाना ऐसे ओ बेटे मौज कर दी बेटे अब बेटे मौज कर दी आ तुम तो शेर हो तुम तो हैवी ड्राइवर हो सॉलिड बॉडी सॉलिड बॉडी लाला मैं माड़ी ना मिलता जोड़ा हो तू ठाडा मैं माड़ी ना मिलता जोड़ा हो भैया भा... की सुमर जागी ना मार मरोड़ा हो भैया की सुमर जागी ना मार मरोड़ा हो जल्द करूंगा ठाडे तू हो जागी ठाडी रे ठाडे करूंगा ठाडे तू हो जागी ठाडी रे मिने भी तर बन जागी तेरी सॉलिड बॉडी रे और ठाडा बन के तेरी सॉलिड बॉडी रे

आजा बच्ची बच्ची जल्दी आज दिखा इंट्रोड्यूस कर हमारे जो गुट कैम्प के बेट बेट बो तुम कहते हो ना पीछे से बैकग्राउंड चलता है ना तो भाई वो यही लोग है यही बात छिटकी इंट्रोड्यूस कराता हूँ

अरे तम्बाकू छोड़ रखे हो ना ना तंबाकू तंबाकू छोड़ के गए मैं अरे तने टोली कोई ना अच्छा मैं एक बार वो करता हूं आपको एक लिख देता हूँ भाई एक बार उसपे के साथ खिलोल भाई अभी हम खेल रहे हैं लेकिन खेलेंगे जरूर खेलेंगे खेलने के लिए खेलेंगे कल खेलते हैं मैं पिन लगे रखा भाई बस पियो यार दिशे लो जिंदगी के काचे काटो सो गाइज एक एक लास्ट रेड प्लीज यार अरे रेड चलती रहेगी भाई यार अब रेड ही रेड भाई सेवेंटी के भी रेड क्या क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे कुछ नहीं रेड ही रेड चलने दो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है बंदे मेहनत कर रहे हैं जितना हमसे होगा मैं भी पीऊंगा जींद जींद आ जा तो जींद कह के भाई

अपने दो भाई भाई ये, है। ये पीते हैं ये देखो स्टिंग रही हम तो भाई ये ये ऐसे ऐसे कुरकुरे चिप्स खाने वाले बच्चे हैं भाई तो ये अरे आ गया आ गया लिंक हम भाई कब कब मैं नहीं पीता मतलब लो तो मैं गाइस दे रहा हूं चलो गाइस दाऊद लिंक दे रहा है उस तो पे चलेंगे हम ठीक है सारे भाई लोग खोल लेते हैं क्या है

ठीक है और लाइक कर दो इस पर हंड्रेड लाइक्स करने का इसमें ला आके लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब करना यार सारे भाई आ जाओ फटाफट मतलब फटा, फटा, मजा आ जाना चाहिए इस एक नंबर चलो भाई अभी हम फिर लास्ट में खेलेंगे ठीक है टीम कोड वगैरह से और क्या रेड अभी रहती है क्या रेड करते थे कोई दिक्कत नहीं यार टेंशन क्यों ले रहे हो आज तो इतने सारे स्टीमर्स पे कर दी 70 के होने वाले देखो सिक्सटी हो गए ना उतने कितने थे uh, 67 के हो, होने वाले थे हो गए होंगे के तो ज़्यादा मेरे मेरे को कभी, अब, uh, क्या मेरे को कभी क्या कर दो भाई के करवा दो क्लोज में भाई यार, प्लीज। पुलिस भाई यार कौन सी क्लास में हो भाई मैं क्लास में नहीं भाई

ये है ये है घाई इसको अच्छे से देख लो आप कैसा होता है ये हरियाणा की ठाट हुक्का और खाट ठीक है खाट पे बैठे ठाट पे बैठे हैं ठीक है और मैं मेरा सेटअप टूर कराऊंगा गाई आपको और को फोन निकाल लेता मैं मेरा सेटअप टूर कराता हूँ आपको छोटा सा ठीक है ये बस से क्या लगा दिया छोटा लगा दिया बस ये तो है ये तो गाइस रुको मैं एक छोटा सा सेटअप टूर करवाता हूँ आपको मेरा मतलब कैसा सीन है मैं सभी दिखा देता हूँ अपने अपना भी ठीक है है तो है तो तो गंदा गंदा बंदा भी देखो मैं गंदी, गंदा ही सीन दिखा रहूं, लेकिन पूरा एक प्रॉपर डेडिकेटेड सेटअप दूंगा कुछ चीजें तो ग्रीन, ग्रीन स्क्रीन को हटाने दो पहले इसमें फिल्टर से मैं चैट दिखा देता हूँ ठीक है

और ये देखो यहाँ भाई हमने पाउडर लेकर रखे गुड्डू पड़े हैं है, है। वो अपना वाई फाई पड़ा है ये अपना इतना मतलब ये भाई चिप्स है अभी भी पड़े हुए आज टूर्नामेंट लिए भाई रोज साफ करते हैं रोज है स्ट्रीम करने से पहले साफ करके मतलब आराम से स्ट्रीम करता हूँ फिर जब एंड होती है तब तक लिए ऐसे हो जाते हैं और गाइज ये यहाँ कप पड़ा है छोड़ो ठीक है ये स्नैक लाइट का कागज़ पड़ेगा इसको उसमें सफाई करनी पड़ेगी अभी ये कवर पड़ा है ये अलगाटो पड़ा है वो पानी की बोतल पड़ी है ये देखो भाई इसको मैं देख देख के हंसता हूँ ये अच्छा है ठीक है इसको देख के मैं हंसता हूँ ये मेरी चश्मा की वो पड़ी है ये हमारी गाड़ी की चाबी पड़ी है और ये सारा है भाई पूरा ताम हमारा और यहाँ नीचे की साइड आप देखोगे तो भाई दिख ही नहीं रहा होगा आपको तो ना जब बा, बाहर बाहर ला के दिखता है हमारी जिसमें लाडू लुबड़े हैं खाने का सामान रखते गैस कुछ भी मतलब भूख लगती है और अभी हमारा हरियाणा ये है हमारा बेड इसी पे सो जाता हूँ ये पीछे लाइट वाइट लगी आराम से अच्छे से पूरा बाद में बताऊंगा अभी तो नहीं दिखाऊंगा मैं क्योंकि सेकंड चैनल पे जब फाइव के होंगे ना तब करूंगा अरे भाई एक और चैनल यार मेन

सही बता रहाँ गाइज मेरे को वो बता बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब क्या बताऊँ गाइज मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है आपको भी जरूर से अच्छा लगेगा मैं मैं शर्त लगा सकता हूँ आपको अच्छा लगेगा गारंटी है गाइज गारंटी मैं दिखाता हूँ चले एक बार चैट में लिखो यस उस चैनल पर रेड करना ठीक है एक चैनल लास्ट भाई अभी आपके चैट पड़ी थी अभी अभी एक चैनल मेरे नाम से चले गाइस चले बार मैं फेस के भाई फोकस ही नहीं हो रखा भाई

इस चैनल का लिंक दे दियो बताता हूँ <laughs> <तुसम्द क्या? laughs> <तुसम्द क्या? laughs> किधर गया भाई। कर <laughs> सूरज सर कहते हैं

एक सेकंड मैं आपको एक कुछ चीज दिखा देता हूँ रुको भाई यार इसपे मैं बताऊं कितने सब्सक्राइबर्स गाइस इस बंदे के हैं 2200 सब्सक्राइबर्स देखो 2200 सब्सक्राइबर्स हैं इस बंदे के चलो भाई सारे भाई लोग आके सब्सक्राइब कर दो द पब्लिश गेमिंग हाईलाइट PUBG लाइट जो कि मेरा दूसरा चैनल है मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये बंदा

गाइज मैं कल जा रहा हूँ रोहतक तो भाई रोहतक में जो मोखरा मदीना है मोखरा मदीना जगह है अगर उनके आसपास का कोई है तो बता देना भाई मैं कल आ रहा हूँ गाइज रोहतक ठीक है रोहतक में ले जिसको भी बिल्डा होगा और मैं कल शाम को वापस आ जाऊँ सुबह यहाँ से निकलूंगा आठ नौ बजे लेकिन शाम को अपना रूम है छह बजे तो हम शाम तक वापिस आ जाएंगे छह बजे तक ठीक है चलो गाइस आज के लिए इतना ही हम करेंगे अगली रेड सेवन टिके पे ठीक है सत्तर हजार रुपये सत्तर हजार रुपये हम अगली रेड करेंगे

सो सुश ठीक है हम जा रहे हैं कल रोब तक मिल दें और बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का स्ट्रीम पे आने के लिए और हम जा रहेगा जब भी मीटिंग करने जिसको भी बात करनी है डिस्कोड पे आ जाओ वन फोर के ठीक है और बात करते हैं वन फोर पर अभी मीटिंग चलेगी मीटिंग होने के बाद जनरल चैट में आ जाना जिसको भी अगर कुछ पूछना हो बात करनी हो तो हम जाएंगे अभी डिस्कोडे डिस्क्रिप्शन में लिखा है डिस्कोड का द पुलिस वाई का पता नहीं वनी फोर का जो भी है उस पर जाके आप देख लेना अगर पुलिस वाई का हो तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा गुड़गांव भाई गुड़गांव भी आऊंगा जल्दी आऊँगा यार घातक की जाती है विष्णु हाँ घातक भाई विष्णु so चैट में एक बार बाय बाय लिख बाई गाइस तो सभी भाईयों का यार बहुत बहुत धन्यवाद यार आपने हमारे हमें आज बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया गाइस और दिल से शुक्रिया यार इसी इतने प्यार और सपोर्ट के लिए गाइस जो भी हुआ था हरियाणा में पतोड़ी जानते हो हाँ भाई पतोड़ी जानते हैं पर भाई सो so गाइस बहुत बहुत शुक्रिया यार जिन भाइयों ने बताते प्यार और सपोर्ट दिया उसके लिए शुक्रिया और गाइस कल मिलते हैं पाँच बजे लाइव आएंगे नहीं पाँच या छह बजे लाइव आएंगे क्योंकि कल सुबह मेरे को आठ बजे यहाँ से निकलना होगा मैं आठ बजे उठ जाऊंगा ओए एक चीज रह गई यार अबे यार इसको मैं कैसे भूल सकता हूँ भाई यार एक जगह रेड निकली गाइस मैंने कितनी वाचिंग चल रही है भाग गए होंगे भी तो भाई पता था सो गए होंगे यार 80 की चल रही है बाय-बाय कर रहे हो यार छोड़ कर ले छोड़ो गाइस कल ही करते, करते। क्या तू नहीं समझा बता <laughs> समझाज गया बेटा समझ गया <laughs> गुड नाइट 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 बाई बाय बाय लव्यू लव यू बाय बाय टाटा सी यू अच्छा मैं प्रमोशन कर रहा था मेरे इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन में लिख इंटाग्राम का सिक्स पे सिक्स के पे हम क्यों नहीं करने वाले हमारे चैनल का पहला क्यों नहीं होगा इंस्टाग्राम पे छः हज़ार पे होगा दो सौ फॉलोअर चाहिए हो जाएंगे इजली अगर आपको करना चाहोगे तो कैसे दो सौ फॉलोअर चाहिए एक बार सभी कैसे भाई लोग मैंने ये क्यों लगा रखा है अब तो चैट ही करनी है सो कह दो सौ दो सौ और चाहिए कैसे भाई बाल चिपक्य हो भाई देख रहे हो बिल्कुल चलो कोई ना बाल तो छोड़ो भाई दो सौ फॉलोअर्स चाहिए ठीक है दो सौ फॉलोअर्स चाहिए फॉलो कर लेना सारे के सारे भाई लोग और मिलते हैं गाइज कल लाइव पे शाम को पांच बजे पांच बजे तक मैं आ जाऊंगा तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू टेक केयर बहुत प्यार दिया आपने को इसके लिए दिल से शुक्रिया कोशिश करो मैं सुबह भी लाइव आ जाऊं तो आइकन का आइकन जोर से दबा लेना सारे के सारे भाई लोग सो टेक केयर लव यू बस that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever want to be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feelin' low, about to blow back up. Here Here I won't let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off, best friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Need help. I don't want to be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. So